हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लासरूम। अरे सर, आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे अबाउट रिस्क। रिस्क रिस्क क्या होता है? रिस्क इज पर्टिकुलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो बेटा, अनसर्टेनिटी क्या होती है? जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, अगर वो हो जाता है, दैट इज अनसर्टेनिटी। क्या बात कर रहे हो? अब देखो, हर एक काम को करने जाओ, रिस्क तो है ही कहीं ना कहीं। आप पॉजिटिव बात करो, चाहे मुझसे नेगेटिव बात करो, सर हर तरीके पे, हर जगह पे आपको रिस्क मिलेगा ही मिलेगा। आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो, क्या ये पेन या वॉच लॉन्च करने जा रहे हो? आप नहीं, वॉच लॉन्च करने जा रहे हो, ठीक है? अब वॉच लॉन्च करने जा रहे हो सर, तो अब रिस्क आएगा। पता नहीं लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, पता नहीं लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, पता नहीं रिव्यू कैसा आएगा, पता नहीं परफॉर्मेंस अच्छी होगी या नहीं होगी। ये क्या है? दे आर रिस्क। पता चले हमारा कॉम्पिटिटर हमारे से अच्छा प्रोडक्ट लेकर आ गया, रिस्क। हमारे कॉम्पिटिटर को लोगों ने ज्यादा पसंद कर लिया, रिस्क। हर एक काम करने जाओ, रिस्क तो है ही। अब उस रिस्क को ये मेरे सामने बैठा हुआ प्रोफेशनल कैसे मैनेज करेगा, कैसे हम उस रिस्क से डील करेंगे, ये है आज की क्लास का टॉपिक। दैट मींस हम उस रिस्क से कैसे डील करने वाले हैं। एग्जैक्टली उस रिस्क से डील कैसे करना है, कैसे खुद को बचा के निकल जाना। देखो छोटी सी बात है, आपको मैं बताता हूँ, बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। अब घर से निकले, आपने हेलमेट नहीं डाला हुआ, आपको डर है, एक रिस्क है कि पुलिस वाला पकड़ लेगा। आप क्या करते हो? पुलिस वाला दूर से दिखा, आपने यू टर्न मार लिया, गली में से घुमा के ले गए। दैट इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर। देखो और बताता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट ना बेटा, तो देखो ये लड़का है, इसने इसको ये लव लेटर दिया। There are so many kind of risk. अब जब इसने ये love letter दिया होगा, तो इसने ये सोचा होगा कि यार ये अकेली हो, कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पे ये हो, इसका भाई साथ में हो और ये मेरे को पीड़। उसने क्या करा कि रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करा, फिर मैनेज करा। इसको क्या क्या रिस्क है? मे बी ए गर्ल कह सकती है, I am already taken. ठीक है, ऐसा हो सकता है। या ये कह सकती है, hey, I have a boyfriend. ठीक है, या फिर ये कह सकती है कि अरे मैंने तो तुमको कभी ऐसे देखा ही नहीं। इसको फ्रेंड जोन कर सकती है, फ्रेंड जोन कर सकती है, ऐसा हो सकता है। हाँ सर, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन टेक प्लेस ओवर हियर। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई मीन टू से। फ्रेंड जोन कर सकती है, उसके बाद और क्या हो सकता है? और भी बड़ी सारी चीजें हो सकती है। तो ये सब चीजें क्या है? दे आर रिस्क। ये क्या है? रिस्क है इस लड़के के लिए। इसके लिए क्या है? ये रिस्क। अब इसने इस रिस्क को क्या करना है? इस रिस्क को मैनेज करेगा। ये इस रिस्क को मैनेज कैसे करेगा? 3 साल से तुमने किसी से बात नहीं करी, अब तुम जाके प्रपोज कर दो और बोल रहे हो यार वो लड़की बड़ी गंदी है, ये वो, हाँ नहीं करी, तेरे भाई का एकदम दिल तोड़ दिया। अब पहले जाके बात करो, उससे दोस्ती करो, उसके बाद बात करना। अच्छा ओके, चले आगे। ओके ओके ओके, चल आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, बिजनेस में मैं कुछ भी करने जाऊंगा, कुछ भी करने जाऊंगा, तो मेरे पास रिस्क की तो लाइन लगी पड़ी है। कैसे सर? देखो छोटी सी बात है, मैंने एक रिस्क एनालिसिस मुझे करना पड़ता है, मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, वो मेरी स्ट्रेटेजी चलेगी या नहीं चलेगी, रिस्क है। मैंने एक पॉलिसी बना दी, वो पॉलिसी मेरी काम आएगी या नहीं आएगी, रिस्क है। मैंने कंट्रोल लेकर बना दिया, पर लोगों ने जो मेरे नीचे काम करते थे उन्होंने फ्रॉड कर दिया, रिस्क है। ठीक है, अगर रिस्क है जो आपने एक प्रोसेस डिफाइन करा कि इस प्रोसेस से मैं अपनी गाड़ी बनाऊंगा, उस प्रोसेस में फॉल्ट आ गया, आपकी सक्सेस में फॉल्ट आ जाएगा। मैंने क्लास बनाई, क्लासेस क्या हो जाती है? लीक हो जाती है, लीक हो जाएगी, पूरी दुनिया के पास पहुंच जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सर तो एकदम लग जाएगी, सर क्या ये क्या चल रहा। ठीक है, और अगली चीज होती है, अगर आपकी यही सारी चीजें सही चलती है तो डेफिनेटली योर कंपनी इज गोइंग टू ग्रो। आप कहीं ना कहीं इंप्रूव करते जाओगे, आपके फाइनेंशियल्स इंप्रूव करते जाएंगे और अल्टीमेटली फायदा होता जाएगा। ठीक है ओके, चलो अब आगे चलते हैं, अगली बात को समझना बेटा। अब रिस्क का फंडा क्या है? क्या यहाँ पे कुछ याद करूं सर मैं? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं याद करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन ऑफ रिस्क को समझना है कि प्रोबेबिलिटी और थ्रेट ऑफ डैमेज। अब देखो बेटा, छोटी सी बात है, मैं एक जगह पे जा रहा हूँ, वहां पे जो चांसेस है वो 80-20 है, 80% यस है, 20% नो है, तो मेरा रिस्क कितना है सर? सिर्फ 20%। द चांसेस ऑफ डैमेज, इंजरी, लॉस या कोई भी नेगेटिव अकरेंस या नेगेटिव इवेंट, वो क्या है? दैट इज लॉस। आई बात समझ? ओके सर, ये लॉस किसी भी रीजन से हो सकता है। ये जो 20% आपको नो हो रही है, दिस नो मे बी ड्यू टू एनी रीजन। इसका जो रीजन है, दैट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल।
इसके इंटरनल रीजंस भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे मर्जी हो, ठीक है। डैमेज, इंजरी, लायबिलिटी, लॉस और एनी नेगेटिव अकरेंस दैट इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल वर्क। क्या मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ? बिल्कुल, प्रीएम्प्टिव एक्शन लेकर मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ। कैसे? देखो, जैसे ये लड़का है, इसको लगा, कह रहा है कि यार मैं उसको प्रपोज करने जाऊंगा तो इसने चप्पल डाली होगी, चप्पल से मारेगी मेरे को, तो इसने क्या करा, ये मंदिर में चला गया उसको प्रपोज करने के लिए, जब उसने चप्पल नहीं डाली, कह रहा सर चांटा मार देगी, मैंने कहा उसके हाथ में वो पूजा की थाली होगी, चांटा कैसे मारेगी, चांटा मारेगी मेरे को तो पूजा की थाली नीचे गिर जाएगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आ रही है, ठीक है, चले आगे। तो आप क्या कर रहे हो? रिस्क को मैनेज कर रहे हो। सर शाबाश, ऐसे पढ़ाते हैं प्रोफेशनल? कैसे पढ़ाते हो तुम लोग, बता दो यार कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा चलो आगे चलते हैं। सर तू रिस्क की जो आप बात कर रहे हो वो बिजनेस में हर एक ट्रांजेक्शन में हर एक जगह पे दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। तो कुछ टेक्निक्स होंगी जिससे हम कहीं ना कहीं पहले ही पता लगा लेते हैं कि यार ये मेरा रिस्क है आने वाले टाइम पे। कैसे? जैसे कंपनियों ने पता लगा लिया कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल कार्स की डिमांड है और हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अगर आपने इलेक्ट्रिकल गाड़ियां नहीं बनाई तो सर आप मार्केट में रेस से बाहर हो जाओगे, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि फंडा तो बड़ा सारा चेंज हो रहा है बार 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 बार। आप आज आईफोन लो, 6 महीने में वर्जन चेंज हो जाएगा, 6 महीने में नहीं तो साल में चेंज हो जाएगा। देख रहे हो ना, आपने मोबाइल फोन लिया, आपने गाड़ी ली, वर्जन चेंज होते जा रहे हैं और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल डेप्रिसिएट होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। मैं कहीं और लगाता तो मे भी हो सकता है पैसा बढ़ता, यहाँ भी पैसा डिक्रीज हो रहा है यार, पर नहीं, मुझे गाड़ी लेनी है शानदार, ठीक है। अब जैसे जैसे चेंजेस आते जा रहे हैं, बहुत सारे टाइप के चेंजेस आते जा रहे हैं, तो रिस्क भी बहुत सारे टाइप के हो गए हैं। रिस्क बहुत सारे टाइप के हो गए हैं, मतलब ये मैं आपको आगे चलता हूँ, अभी बात नहीं कर रहे, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि कहीं ना कहीं मेरे पास लीगल रिस्क है, कंप्लायंस रिस्क है, सर मेरे पास लॉज अप्लाई हो रहे हैं, मैंने उनको फॉलो नहीं करा तो अब तो मेरी लग जाएगी। ऑपरेशनल रिस्क, मेरी कंपनी के ऑपरेशन है वो सही से परफॉर्म नहीं हो रहे हैं तो वो वहां पर फिर से मेरी लग जाएगी, ठीक है। आई बात समझ? अब थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। देखो अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है सर, यहाँ पे कुछ नोट करना है क्या? यहाँ पे कुछ नोट नहीं करना है बेटा, यहाँ पे नोट करने की जरूरत ही नहीं है। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है? देखो क्या होता है, आप कहीं ना कहीं अगर इसी चीज पे लगातार अपनी नजर बनाए रखो कि रिस्क क्या है, रिस्क क्या है, रिस्क क्या है, बेटा जो आपने चैप्टर छोड़ दिया वो रिस्क है, रिस्की तो है वो। आप पेपर में पेपर देने जा रहे हो, आपने कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए, अब वो पेपर में आ जाएंगे, क्या ये रिस्क है? तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट मींस आप कॉन्टिन्यूअसली अपने रिस्क को असेस कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो और उसके बाद उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हो, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है सर। तो अच्छा, तो डेफिनेशन है, यस, रिस्क मैनेजमेंट इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, इवैल्यूएटिंग एंड असेसिंग द इनहेरेंट एंड पोटेंशियल रिस्क, अडॉप्टिंग द मेथड्स ऑफ सिस्टमैटिक रिडक्शन इन ऑर्डर टू सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट। अच्छा सर ओके, अब आगे कुछ मार्क करना है? नहीं नहीं नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है रिस्क मैनेजमेंट की? आपके पास रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है जो आप बनाते हो, अगर आपने नहीं बनाई है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अरे ये बात समझ, थोड़ा 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 समझ में आ रहा है ना, मूविंग अहेड, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं हर एक अपॉर्चुनिटी को आप कहीं ना कहीं उस व्हाट यू कॉल इट एज, हर एक चैलेंज को आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाओ, तो आपको अपनी बिजनेस की डायमेंशंस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या होता है, हम आज के टाइम पे बिजनेस हम पता कैसे कर रहे हैं? अब बिजनेस पहले की तरह नहीं है, पापा कहते थे ना पहले बिजनेस करना बड़ा आसान होता था यार, अब तो बड़ी दिखते हैं, अब तो बड़ी दिक्कत है, इसके पास ये है, उसके पास वो है, ट्रेडिंग कर रही है आधी दुनिया, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आधे लोग। अब प्रॉब्लम क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं डिजिटल कैपेबिलिटीज आ गई। आपने कभी सोचा था पढ़ाई ऐसे होगी? नहीं सर, नहीं। जब सर जाते थे पढ़ने, 3 घंटे जाने में लगते थे, 2 घंटे आने में लगते थे। सर 3 घंटे जाने में क्यों लगते थे? क्योंकि जाती वाली ट्रैफिक बहुत होता था, आती वाली दोपहर हो जाती थी, सड़कें काली होती थी। तो मोटा मोटा समझो, चलो 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, 3 घंटे की वहां पे क्लास, ओवर द डे, थ्रू आउट द डे मैंने 8 घंटे लगाए, 8 घंटे लगाए, अपने दोस्त दोस्त मिलेंगे, फालतू की बातें भी करूंगा, अल्टीमेटली आउटपुट क्या है? सिर्फ 2 घंटे सर, सिर्फ 2 घंटे, ठीक है, उसके बाद मैं आऊंगा, मैं थक जाऊंगा, अल्टीमेटली आउटपुट क्या है? 2 घंटे की क्लास। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिजिटल कैपेबिलिटीज पर फोकस कर रहे हैं, एक्सपर्टीज पर फोकस कर रहे हैं, कोलैबोरेशन में चले जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें बिजनेस में आ गई हैं। जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, आपने किसी के साथ कोलैबोरेशन करा? मारुति है, मारुति एक भी चीज खुद नहीं बनाता है,
मारुति क्या करता है, दूसरे लोगों को दे देता है, कह रहा है ये चीज मेरे को बना के दे दे, मारुति के पास सामान आता है, मारुति गाड़ी असेंबल करके आपको दे देते हो। आप कहते हैं वाह भाई वाह, मारुति की गाड़ी है, मारुति की गाड़ी है, असेंबलिंग करवा रहा है वो, बस इकट्ठा कर रहा है यार। उसने पेन लिया, पेन की बॉडी किसी से बनवाई, कि रिफिल किसी से बनवाई, ढक्कन किसी से बनवाया, इकट्ठा करके तुम्हारे को दे दिया, कह रहा बस हो गया चक्का चक्का। ठीक है, आई बात समझ? अब सर ये बेटर रिस्क मैनेजमेंट कैसे, कि आपको आने वाले रिस्क के बारे में आज ही पता चल जाता है, दैट मींस योर रिस्क मैनेजमेंट इज साउंड। आपको आने वाले रिस्क के बारे में आज ही पता चल जाता है। देखो जैसे बताता हूँ, एक गाना आया था तुमने सुना होगा, मैंने पूछा कौन है, वो बोली फ्रेंड है, मैंने बोला यही सर आज का ट्रेंड है। ठीक है, गुस्से में बोली वो, यू आर सो डिफिकल्ट, मैं कैसे मैं बताऊं उसे जी, नहीं गुस्से में बोली वो, यू आर सो टिपिकल, कैसे मैं बताऊं उसे जीना हुआ डिफिकल्ट, उसका चक्कर चल रहा है, वो कहीं बात कर रही है, तुम्हें फटाक से पता चल जाता है। व्हाट इज दैट, दैट इज अ अर्ली सिग्नल, समझो बेटा। अगर 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 तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो किसी और की फोटो को रोज लाइक करता रहता है, बात करता रहता है, तुम्हारे को फोन नहीं दिखा रहा है, व्हाट इज दैट इज अर्ली वार्निंग सिग्नल। अब या तो एड्रेस कर दो रिस्क को, हाथ के हाथ डील कर लो। तो ये कैसा होगा अगर आप डेली नजर रखो, ठीक है? तो बस यही रिस्क मैनेजमेंट में करना है, एक कंटीन्यूअस प्रोसेस जहां पे आपने आइडेंटिफाई करना है, इवैल्यूएट करना है और एक्सेस करना है रिस्क को। इसका मतलब ये नहीं है तुम शक करने लग जाओ साथ वाले पे, ऐसा मत करना कि सर ने बोला है रिस्क है, नहीं रिस्क ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है? अब देखो आपने बहुत बार देखा है, जैसे हम लोग इतने एडवांस हो चुके हैं, हमें पता चल जाता है कि यार वहां पे बाढ़ आने वाली है, हम रेड अलर्ट जारी कर देते हैं, ठीक है? दिल्ली में आएगी बाढ़ को, निचले इलाकों को कराया गया खाली। अब थिंग्स आर लाइक, बात को समझो यहाँ पे। तो अब क्या है, मैंने रिस्क को पहले आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है? आई बात समझ बेटा? अगर रिस्क को मैं पहले आइडेंटिफाई कर लेता हूँ तो मैं उससे डील कर सकता हूँ, चाहे उसे कम करके, चाहे उसे अवॉइड करके। बहुत सारे तरीके हैं यार रिस्क को अवॉइड करने के, बताऊंगा सारे तरीके अभी नहीं, अब थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ, ठीक है? देखो मूविंग अगले फंडे पे चलते हैं। अब एक चीज और समझ में आती है सर, एक चीज और समझ में आती है, दैट बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स प्रोवाइड एन अर्ली वार्निंग सिग्नल सो दैट सेम कैन बी एड्रेस्ड ऑन टाइम। ओके, ये पूरे के अंदर सिर्फ इतना सही पढ़ना। हाँ, एक मेरा वेबिनार हुआ, उसमें बेचारा एक बच्चा मेरे को कहता है आपने पूरा मॉड्यूल पढ़ा दिया है, अब मैं क्या करूँ यार, बताओ कितना करूंगा मैं, कहाँ पेपर के दिन कैसे पढ़ लूंगा, इतना जितना अंडरलाइन है उतना ही पढ़ ले बेटा, पन्ने पलटने होते हैं पेपर से पहले, सब याद हो जाता है हमारे, पन्ने पलटने होते हैं अपने पास। अच्छा अब एक बात बताओ, रिस्क मैनेजमेंट करेगा कौन? रिस्क मैनेजमेंट के लिए अगर आपका पर्टिकुलरली आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा, अगर आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो होंगे ही। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, एक्सपर्टीज है। नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये काम दे देना। रिस्क मैनेजमेंट रिक्वायर्स कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, ठीक है? आई बात समझ? ओके 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 ओके, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि सर आने वाला हर एक रिस्क मैं आज ही समझ लेना चाहता हूँ। मैं बाद में गया, मैंने गाड़ियां बना दी धड़ाधड़, मेरे कॉम्पिटिटर्स ने उठा के इलेक्ट्रिकल गाड़ियां बना दी। अब एक बात बताओ, सबको पता है पेट्रोल डीजल आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा, ऊपर से पॉल्यूशन इतना बढ़े जा रहा है। ओके सर, पॉल्यूशन कहाँ बढ़ रहा है मेरे से पूछ के देखो, डॉक्टर के साथ हर 25 दिन में अपॉइंटमेंट फिक्स है सर, हर 25 दिन, मैक्सिमम 30 दिन खींच सकता हूँ बस। ऐसा क्यों, ऐसा ये थ्रोट है ना, ये फ्रीज हो जाता है पॉल्यूशन के चक्कर में। कहाँ रहते हो आप? दिल्ली, दिल्ली में देख रहे हो पॉल्यूशन इतना है, सांस नहीं ले रहा हम, पॉल्यूशन पी रहे हैं पॉल्यूशन। अच्छा अब देखो अगली बात जो समझने वाली है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर रिस्क मैनेजमेंट मैं करता हूँ बहुत अच्छे से, रिस्क मैनेजमेंट से होता क्या है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू एंश्योर दैट ऑल फोरसीनेबल रिस्क आर एक्चुअली एक्सेप्टेड एंड अंडरस्टूड। देखो बेटा आप एक डिसीजन लेने जा रहे हो, आपकी कंपनी का डिसीजन कोई भी है, कहता मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कह रहे सर डिसीजन लेने से पहले यहाँ पर ही मैंने सारे रिस्क को अच्छे से समझ लिया है। आप एक रिलेशनशिप में गए, आपने रिस्क को समझ लिया कि भैया देखो कल को शादी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, कल को हो सकता है तुम पढ़ रहे हो तुम पास हो गए, वो पास नहीं हुआ तो बवाल हो जाएगा, दोनों पास हो गए तो घर वाले फिर भी मान जाएंगे, लोग आज भी इंटरकास्ट पे हैं, राइट? थिंग्स आर लाइक कि रिस्क है सर, ये क्लास का आप टॉपिक रख दो ना, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट क्या पढ़ा रहे हो ऐसा क्या, चलो कोई बात नहीं, ठीक है? आई बात समझ? तो पहले ही आपको उन रिस्क को समझना होता है। आप गाड़ी चला रहे हो, आपने गाड़ी खरीदी सर, ऑलरेडी रिस्क है, आपने गलत पार्क कर दी कोई हवा निकाल देगा, आपने कहीं टक्कर मार दी आपकी गाड़ी को चोट लग जाएगी, आप कहीं पर खड़े हो कोई चीज, कोई बंदा आया रात को आप बाहर लगा कर आ गए,
आपने घर के नीचे पार्किंग में नहीं लगाई, घर के अंदर पार्किंग में नहीं लगाई, आप बाहर लगाकर आ गए, टक्कर लग जाएगी, सोसाइटी में नहीं लगाई, बाहर लगा दी, पता नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है. तो देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ रिस्क, ये आपको समझने होते हैं बिफोर यू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन. ठीक है, आई बात समझ? चलो आगे चलो. सर वैसे ये लव गुरु वाली क्लास फ्री है, इसका एक्स्ट्रा चार्ज है? ये लव गुरु वाली क्लास फ्री है यार, फ्री है, खा लिया तुम्हारा टीचर. अब किसी ना किसी तरीके से तो समझाऊंगा ही. अब मॉनिटरिंग न्यू प्रोजेक्ट्स एंड ऑनगोइंग ऑपरेशंस टू इंश्योर कि कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्टरीली हर एक चीज का आंसर मिले और नई चीजें, नए नए फंडे, नई प्रॉब्लम्स इमर्ज ना हो. तो सर एक बात बताओ, ये मैं पढ़ूं क्या? ये ले. ओके, मतलब आप सीधा मुद्दे की बात पे आ गए हो, अब आप करवा रहे हो कम क्या पढ़ना है क्या नहीं. ये सिर्फ और सिर्फ मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. सर अभी तक पूरी बात में एक बात समझ में आती है कि रिस्क मैनेजमेंट करूंगा तो पहले ही रिस्क को अपने देख लूंगा, समझ लूंगा और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लूंगा. शाबाश, रिस्क की डेफिनेशन याद रखना, रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद रखना अभी तक, और कोई फंडे की प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, आई बात समझ? रिस्क मैनेजमेंट अगर आप करते रहोगे तो बेटा जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर जितने भी टाइप के रिस्क है उन सबको आप बहुत जल्दी बहुत इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे और आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी रहेगी. अब और रिस्क क्या होता है और बताता हूँ. आप पढ़ रहे हो, पढ़ते टाइम पेपर से पहले आपके घर में आपके रिश्तेदार आ गए, लो रिस्क. आपने प्लान ही नहीं करा इसके लिए, आप जानते हो, आपने आइडेंटिफाई करा हुआ है कि ऐसा कुछ हो सकता है. पेपर से पहले आपके कजन की शादी आ रही है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, बट क्या आपने उससे डील करा है? नहीं करा है, नहीं करा है, नहीं करा है. अब बताऊंगा, यही चीजें हैं, दे आर काइंड ऑफ कंटिंजेंसीज जिसके लिए हम प्लान ही नहीं करते, जिसके लिए हम प्लान ही नहीं करते. तुम्हारे को कल को करोड़ों की डील मिलेगी प्लान करने के लिए, प्रोजेक्ट मिलेगा, क्या करोगे उस टाइम पे? क्या बोलोगे, मैं तो अपना टाइम टेबल नहीं बना पा रहा था, मैं तुम्हारी डील कैसे देख लूं? चलो नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. सर ये नोट करना है? नहीं, बता दूंगा, जो याद करने वाला होगा मैं बता दूंगा. ठीक है, अब देखो अल्टीमेटली होता क्या है, इट इज पर्टिकुलरली अ सिस्टमैटिक प्रोसेस जहां पे आप बहुत सारी चीजें करते, बहुत सारी चीजें कौन कौन सी करता हूँ, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, इवेल्युएट करना, ट्रीट करना, मॉनिटर करना और रिस्क को कम्युनिकेट करना और अल्टीमेटली एक तरीका ढूंढना जिससे आप अपने रिस्क को कम कर सकते. ठीक है सर, ओके. अच्छा मैं और बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे जब अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप क्या देखते हो बेटा कि देयर इज अ कंसर्न फाइनेंस डिपार्टमेंट. एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है आपकी कंपनी में, अगर आप छोटी कंपनी में है या फर्म में है तो कोई बात नहीं, बट आप बाद में जब जाओगे तो आपको एक फाइनेंस डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा. इस फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या होगा, अब आपकी कंपनी क्या करती है, आपकी कंपनी करती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस. अब सर ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अगर हम कर रहे हैं तो आज अगर मैंने गुड्स भेज दिए यूएस में और बाद में मेरे पास पैसा आएगा यूएस से, ठीक है, जब मैंने गुड्स बेचे तो $1 था 72 का, जब पैसा आया तो डॉलर था 60 का, तो सर अब रिस्क है बहुत ही ज्यादा. जब मैंने सामान बेचा, ठीक है, तो डॉलर का रेट था 72, मैंने तो बड़ा खुश हो गया, मैं तो बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा यार अब तो प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाएगा. पर जब पेमेंट करने का टाइम आया तब डॉलर का रेट हो चुका था 60 रुपीज. सर ये हो गया मुझे लॉस, ये हो गया मुझे लॉस. आई बात समझ? तो इसको कैसे डील करना है, ये फॉरेक्स में पूरे अच्छे तरीके से रिस्क की हेजिंग, रिस्क का आप स्पेकुलेशन पे ना जाओ, कैसे आप अपने रिस्क को मैनेज करोगे, ये सारी चीजें उन फाइनेंस वाले लोगों को बहुत अच्छे से सिखाई जाती है. ठीक है, आपने भी अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इन चीजों को पढ़ा है ऑलरेडी. चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं. अब रिस्क है बहुत सारे टाइप के हैं, कुछ रिस्क है आप कंट्रोल कर सकते हो, कुछ रिस्क है आप कंट्रोल नहीं कर सकते. सर मैं कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ, आपकी बिल्डिंग में आपको लगता है कि यार ऐसा हो सकता है कि चोरी हो जाएगी, मेरे ऑफिस में चोरी हो जाएगी, मैं ताला लगा के जाता हूँ, दैट कैन बी कंट्रोल्ड. ठीक है, आई बात समझ? कुछ है जो मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, रात को भूकंप आ गया बिल्डिंग गिर गई, लो कंट्रोल कर सकते हो आप? नहीं कर सकता. सर मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता. ओके ओके ओके. अच्छा अब होता है सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी सिर्फ थोड़ा सा समझ लो सिस्टमैटिक. अच्छा आपने इको पढ़ी है, इको इकोनॉमिक्स पढ़ी है बेटा? हाँ सर इकोनॉमिक्स तो पढ़ी है हमने. ओके, उसमें रिस्क होता है एक माइक्रो लेवल पे, एक मैक्रो लेवल पे, माइक्रो और मैक्रो. एक माइक्रो होता है क्या होता है, माइक्रो क्या होता है छोटे लेवल पे, मैक्रो होता है नेशनल लेवल पे. तो सिस्टमैटिक रिस्क होता है पर्टिकुलरली एट मैक्रो लेवल, ठीक है, और उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है छोटे लेवल, वो कंट्रोलेबल है. तो कंट्रोलेबल जो है ये क्या है, इसका दूसरा नाम, इसके छोटे भाई, इसका घर का नाम है अनसिस्टमैटिक.
ओ सर ये क्या हो गया, कट लगा, 1 मिनट में आ जाएगी लाइट। अरे सर एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया था। अच्छा, डर गए थे तुम लोग, हॉरर उसमें आया है, अंधेरा अंधेरा हो गया था। चलो आगे चलते हैं, लेट्स गो अहेड। तो मैंने जैसे आपको बताया रिस्क कंट्रोलेबल है तो उसका छोटे भाई का क्या नाम है, अनसिस्टमैटिक, और अनकंट्रोलेबल है तो क्या नाम है, सिस्टम। अनकंट्रोलेबल माने बड़ा रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क माने मैक्रो, और दूसरा माने माइक्रो। बेटा इको पढ़ी है ना, इको में था ना मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब सर ये रिस्क मैनेजमेंट होगा कैसे? सबसे पहले हमारे पास आता है एक रिस्क आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आता है एक रिस्क एनालिसिस, उसके बाद आती है रिस्क असेसमेंट, एंड फाइनली आती है रिस्क मिटिगेशन। सर ये आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कितने टाइप के रिस्क हैं जो मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट में मेरे बिजनेस में घुस चुके हैं, उसके बाद मैं उनको एनालाइज करता हूँ अच्छे तरीके से कि देखो यार मैंने देख लिया, सीधी सी बात है कि वो हीरो हीरोइन है, लड़का लड़की है, वो लड़का जा रहा है तो अब वो क्या कर रहा है, उसने पहले रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया कि इसका भाई इसके साथ में, अब वो रिस्क को एनालाइज करेगा, उसने बोला मेरा भाई है मेरे साथ में, उसका भाई बड़ा है या छोटा है, अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ उसका भाई उससे बड़ा है कितना बड़ा है, एनालाइज कर रहा हूँ। लड़ाई वड़ाई होगी वो मेरे को पीट देगा क्या, या फिर जैसे ही वो साइड पे होगा तो मैं अब काम करूँ, अब मैंने एनालाइज कर लिया, अब मैं उस रिस्क को असेस करता हूँ। सर एक ही तो बात है, नहीं बेटा, अब मैं उस रिस्क पे असेसमेंट करूंगा कि कहीं उसने मेरे को चपेट मार दिया तो, तुम्हारी छोड़ो तुम्हारा टीचर है, एक लड़की के पास गया उसके भाई ने चपेट मार दिया, क्या इज्जत रह जाएगी, सर ये हमारा टीचर तो लड़कियां छेड़ता है, ठीक है। तो अब असेसमेंट में क्या करता हूँ, मैं इवेल्युएट करता हूँ कि कितना मेरे को फायदा हो रहा है कितना मेरे को लॉस हो रहा है। सर पीछे तक कुछ भी अंडरलाइन करना था? नहीं, आओ सीधा। अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, देखो रिस्क आइडेंटिफिकेशन से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेस को जो रिस्क वाली जगह पर है उनको आइडेंटिफाई करता है। अपने कोई प्रोजेक्ट में जा रहे हो आप, अब आपको लग रहा है कि भैया आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी जगह पे खतरा है, ठीक है, आई बात समझ। अब आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज एंड प्लेसेस विच आर सब्जेक्ट टू रिस्क, ठीक है। अगर आपने सही रिस्क को आइडेंटिफाई करा तभी आप सही तरीके से मैनेजमेंट कर पाओगे। वो लड़की के भाई को आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो ठीक, तुम सोच रहे हो कि ठीक है हो सकता है मे बी उसका दोस्त हो, निकला भाई गलत आइडेंटिफिकेशन होगी तो मैनेजमेंट गलत होगी, ठीक है, और निकला उसका बेस्ट फ्रेंड, तब तो तुम वैसे ही भूल जाओ ये लड़कियां बेस्ट फ्रेंड लाती कहां से, आई बात समझ। इफ रिस्क मैनेजर्स, अब वो अगर आप सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो सही से मैनेज नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई करा बेटा कि उसका भाई है छोटा है, मैनेज कर लूंगा उसको, बोल दूंगा वो बुला रहा सामने चॉकलेट दे रहा, वो जाएगा इतने में मैं बात कर लूंगा, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने सोचा उसका भाई तो छोटा है, उसका भाई निकला बड़ा 6 फुट 3 इंच, तो तेरी दो क्या करा मैंने, मैं आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया रिस्क को, अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा तो मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो देखो आइडेंटिफिकेशन ही आपको कहां पर लेकर जाती है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन लीड्स टू रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन लीड्स टू रिस्क मैनेजमेंट, आई बात समझ। बोलो बेटा आई बात समझ मेरे लाल। अब आगे चलते हैं, अब एक बात, सर तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या होता है, आपने आइडेंटिफाई करा तो मैनेज कर पाओगे, आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए तो मैनेज कैसे करोगे। जैसे पुलिस वाला आपको सामने दिखा, आपने आइडेंटिफाई कर लिया सर आप ऐसे 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 करके किसी गाड़ी के पीछे चल के, अब मैं क्या करता हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, फोन पे बात कर रहा हूँ, बच्चे से बात कर रहा हूँ, हेलो हेलो यस 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 यस, मैं देखा सामने पुलिस वाला, रुको रुको रुको, फोन रुक दिया नीचे, सर आप ऐसे ऐसे कौन सी गाड़ी चला रहे थे, घोड़े पे आ रहे थे क्या, अरे इधर, ऐसे मजाक नहीं करते, ठीक है। तो मैंने क्या करा, फोन रख दिया नीचे, अब क्या हो गया, मैनेज कर लिया। अगर मैंने उस पुलिस वाले को देखा ही नहीं तो मैनेजमेंट होगी नहीं होगी, मैनेजमेंट मैनेज ही नहीं कर पाऊंगा, आई बात समझ बेटा। चले आगे, आप थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। सर तो मुद्दे की बात एक ही है, आप एक ही चीज को चार चार बार समझाए जा रहे हो। हाँ यार बिल्कुल सही। अब देखो रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं बनाता हूँ एक रिस्क रजिस्टर, उसके अंदर मैं रिस्क लिखता हूँ और ये लिखता हूँ ये रिस्क आया कहाँ से है। मैंने पुलिस वाला देखा कहाँ पे देखा, मधुबन चौक, या पुलिस वाला देखा दिल्ली में कहाँ देखा, लाजपत नगर में सीपी, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन आर नॉर्मली डॉक्यूमेंटेड इन रिस्क रजिस्टर,
which includes a list of identified risk along with their resources. उनके resources के साथ में ऐसा काम होता है, ठीक है? Potential risk responses and risk categories. अभी इससे क्या करता हूँ बेटा, अगर मैं identification कर पाया तभी तो मैं अगले step पे जाऊंगा ना, management पे जाऊंगा, assessment पे जाऊंगा. बोलो बोलो बेटा, ऐसा होगा ना, पहला स्टेप रखा आपने, देखा तभी आप मैनेज कर पाओगे. अच्छा अब आगे चलते हैं. सर ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन हमें करने कब होती है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब करना. अगर यहाँ पे आपने कर लिया तो बहुत अच्छा है. रिस्क आइडेंटिफिकेशन जनरली टेक्स प्लेस एट द बिगिनिंग, और उसके साथ साथ जब आपका प्रोजेक्ट चल रहा होता है, जब वो कंटीन्यूअस बेसिस पर होता है, ठीक है? सर ये अंडरलाइन करना शुरू करूं यहां से? बिल्कुल बेटा, यहां से अंडरलाइन करना शुरू करो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है? जैसे जैसे चेंजेस आएंगे बेटा, वैसे वैसे अब मेरे लिए रिस्क देखना पड़ेगा. अब मेरे पास पहले एम्प्लॉय था, वो एम्प्लॉय था मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट था यार, ईमानदार था. अब मैं लेकर आ गया एक नया CFO, ये साला कहीं गड़बड़ तो नहीं कर देगा? बवाल कर दे मेरी जिंदगी में, फिर तो कलेश हो जाएगी. मेरी कंपनी से इन्फॉर्मेशन निकाल के मेरे कॉम्पिटिटर को सप्लाई करते, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा खड़े खड़े. तो नहीं नहीं जैसे जैसे चेंजेस आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, रिस्क भी बढ़ेगा. आई बात समझ? चले बेटा आगे बोलो, अगली बात पे चलते हैं. रिस्क आइडेंटिफिकेशन हुआ, अब चलते हैं पर्पस पर. अब ये पर्पस क्या होता है? मैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्यों करता हूँ? रिस्क आइडेंटिफिकेशन इसलिए करता हूँ टू इंश्योर दैट ऑल पोटेंशियल प्रोजेक्ट रिस्क आर आइडेंटिफाइड, ताकि जितने प्रोजेक्ट रिस्क हैं आप सबको आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है? आई बात समझ? अब थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ. अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन मैं इसलिए करता हूँ ताकि सारे रिस्क को मैं देख पाऊं, ठीक है? आई बात समझ? आगे लेके चलो. अच्छा अब सर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद मेरा पर्पस क्या है रिस्क आइडेंटिफिकेशन का? ताकि मैं उन सारे रिस्क का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है, या जो उसका थ्रेट है उसको मैं कहीं ना कहीं कम कर पाऊं, ठीक है? नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करना है और पॉजिटिव इम्पैक्ट को मैक्सिमाइज करना है. आपकी एक रिस्क की अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद आपने देखा कि मेरे जो चांसेस ऑफ सक्सेस है वो है 80-20. अब मैं क्या चाहता हूँ, 80% है मेरा यस और 20 है मेरा नो. मैं चाहता हूँ कि ये मेरा मैक्सिमम हो जाए, ये मेरा क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, और ये क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए. देखो बेटा, जब आपने एडमिशन लिया था तो आपके चांसेस थे पास होने के कम. धीरे 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 जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं वो चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, राइट? मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ठीक है? चले आगे, मूविंग अहेड, आगे चलते हैं बेटा. चलो अब चले आगे. पॉज कर लो करना है तो, इतना ही मार्क कर लू बस. हाँ मार्क मैंने कम करवाना शुरू कर दिया, कितने बढ़ूंगा, ये दोनों मार्क करने थे बस, यस, ठीक है? आई बात समझ? अब रिस्क मैनेजमेंट जो है उसका प्रोसेस क्या होता है, एक रिस्क मैनेजमेंट किया कैसे जाता है, सॉरी रिस्क आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है, देखो. So, अब पेपर में वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या समझने की कोशिश कर रहा है कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या क्या होता है? तो सर मुझे जो याद रखना है ना वो सिर्फ ये हेडिंग्स याद रखनी है, क्रिएटिंग अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. सबसे पहले मेरे पास एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है. कोई भी प्रोजेक्ट मैं करता हूँ उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके पीछे प्रोसेस होता है. वो ऑब्जेक्टिव्स, वो प्रोसेस और वो सक्सेस फैक्टर्स. एक बात बताओ, मेरी कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, क्यों? क्योंकि वी नो कि आते वाले टाइम में मार्केट के अंदर जिस हिसाब से ट्रेंड घूम रहा है हमें अपने प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा. ये पार्ले जी तो है नहीं कि बिकता, इतने साल से वही पार्ले जी बिकता आ रहा, आगे भी बिकता चलेगा, है ना? सर पार्ले जी आज तक 5 रुपए का कैसे है, क्वांटिटी कम होती जा रही है बेटा, क्वांटिटी कम होती. कहां पार्ले जी के पैकेट का वेट हुआ करता था आज से कितने साल पहले, धीरे 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 क्वांटिटी कम होती जा रही है. अब तुमने पार्ले जी तो बनाया नहीं है, तुमको चेंज ही नहीं करोगे, जैसा है वो वैसे दुनिया खाती रहेगी पार्ले जी, ठीक है? अब जब भी मैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शुरू करता हूँ वो शुरू कहाँ से होता है, मेरे सक्सेस फैक्टर्स और मेरे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए कि मैं ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए. पैसा कमाने के लिए क्या होगा, अब मुझे रिस्क आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. यार मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, बिल्डिंग बनाने के लिए मैं बिल्डिंग क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली अपनी कंपनी को नंबर 1 पे लाना है, मेरा ऑब्जेक्टिव है. मुझे अल्टीमेटली पैसा कमाना है, मेरा ऑब्जेक्टिव है,
आई वॉन्ट टू बी अ ग्लोबल लीडर इन रियल एस्टेट्स. ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा सक्सेस फैक्टर है. उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले ही रिस्क आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि भैया जिससे रॉ मटेरियल मंगाया उसका रॉ मटेरियल घटिया तो नहीं है. मैं क्या कर रहा हूँ, Q&A. उसका रॉ मटेरियल आने के बाद चेक करता हूँ कि क्या सब ठीक है. ठीक है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. अब मैंने इस प्रोसेस तो बना लिया, प्रोसेस बनाने के बाद अब मैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए जितनी जगह से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है सारी जगह से ले लेता हूँ. ये सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं. इंटरनल कैसे हो सकते हैं, जैसे कि आपके इंप्लॉइज हैं, आपका स्टाफ है, ठीक है, ये सब लोग आपको बता रहे हैं. ठीक है, आपने पहले उस वेंडर से डील किया था, वहां से आपको पता चल जाएगी इंफॉर्मेशन कि पहले क्या रेट आता था, आने वाले टाइम में, नेक्स्ट वाले फंडे में. अब काम कैसे चलेगा, अब काम कैसे चलेगा, एक्सटर्नली कैसे पता चलेगा, कुछ बेटा एजेंसीज होती है, ठीक है, आप कुछ वेबसाइट्स होती हैं, वहां जाओ आपको पता चल जाएगा. कंपनी से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो, कंपनी के कस्टमर से कॉन्टैक्ट करो, आपको पता चल जाएगा कैसा चल रहा है. ठीक है, अगली चीज, नेक्स्ट इज अप्लाइंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल्स एंड टेक्निक्स. जो बेस्ट टेक्निक्स है, बेस्ट टेक्निक्स है जो टाइप ऑफ रिस्क पे, एक्टिविटीज पे डिपेंड करती है, वो आपको बेस्ट वाली अडॉप्ट करनी है. अब आपके पास रिस्क आइडेंटिफिकेशन और की टेक्निक्स टूल्स तो बहुत सारे हैं, पर लेने कौन से वाले जो सबसे ज्यादा मुझे सूट करे. ठीक है, कपड़े तो बहुत सारे टाइप के मिलते हैं, एकदम नहीं ऐसे नहीं बता सकता मैं तुम लोगों को. अब तो सर तुम्हारे सामने आए हैं तो ठीक है, ऐसे क्या शादी वाले कपड़े पहन के आ जाओ, नहीं सर क्या बात कर रहे हो, चॉइसेस तो बहुत सारी है, जो सूटेबल है ये ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम है. ओके ये ठीक, ओके. तो ऐसे ही रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल्स बहुत सारे हैं, बट आपके लिए जो बेस्ट सूटेबल है आपको वही लगाना है. क्लास में आ गया मैं लाल रंग का चश्मा लगा, लाल शेड्स लगाया, रेड वाले, ऐसे रेड वाले शेड्स लगा के आ गया, और ऐसे करके ऐसे खोल रहा हूँ मैं मजनू भाई की तरह, सर क्या बात कर रहे हो यार, हिल गए हो क्या, ऐसे नहीं बोलते, पाप लगता है ऐसे, हिल गए हो. क्या हो रहा है, बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, बट मैं उसमें से बेस्ट टेक्निक को सिलेक्ट करता हूँ. अच्छा, अब उसके बाद मैंने आपको बताया था, ये करने के बाद बेटा मेरा एक रिस्क रजिस्टर होता है, इस रिस्क रजिस्टर के अंदर मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ रिस्क, और उसके बाद मैं इसका सोर्स भी लिखता हूँ कि ये रिस्क आया कहाँ से. ठीक है, और उसके बाद इस रिस्क के बाद मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को. ओके 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 ओके, तो ये प्रोसेस नहीं है, नहीं 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 नहीं, अगर आपसे पूछता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस तो आपको वहां पे ये लिखना है. और बेटा प्रोसेस होना और प्रोसेस को कॉपी पे लिखना दोनों में डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे आप सिर्फ डॉक्यूमेंट कर रहे हो. उसके बाद आप एक्सेस करते हो प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस. ठीक है, कि आपने जो प्रोसेस सेलेक्ट किया है, बहुत सारे प्रोसेसेस थे आपके पास रिस्क को आइडेंटिफाई करने के, तो उसके अंदर से आपने जो सेलेक्ट किया है क्या वो आपके लिए एप्रोप्रिएट है. ठीक है, जो प्रोसेस आपने सेलेक्ट किया क्या वो आपके लिए एप्रोप्रिएट है या नहीं. ठीक है, अब अगर पेपर में आपसे पूछता है 7 आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस, याद रखना दोनों क्वेश्चंस में पूरा डिफरेंस है. पहला तो है रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस. ठीक है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस आपसे पूछता है तो ये आएगा बेटा, और अगर आगे इफेक्टिव भी लगा देता है तो यही चीज लिखनी है पेपर में, याद रखना. और अगर आपसे पेपर में पूछता है आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल्स, एक जगह पर प्रोसेस है एक जगह पर एसेंशियल्स है, दोनों को मिक्स मत करना, याद रखना दोनों चीजें अलग अलग होती है. ठीक है, अब ये 7 जो आपके पास ये है सर, सबसे पहला क्या है देखो, पहली बात तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ना हर एक प्रोजेक्ट पे अलग अलग तरीके की ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए. ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग जब आपके दिमाग में, आप अपना दिमाग चलाते हो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के आइडियाज आते हैं. ठीक है, अब देखो छोटी सी बात है, तुम लोग मेरे साथ बैठे हो, मैं एक वर्ड बताता हूँ, वर्ड बताता हूँ छोटा बच्चा. ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट अ चाइल्ड और एन इन्फेंट, छोटा बच्चा एक इन्फेंट, उसके बारे में बात करता हूँ तो आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ जाते हैं छोटे बच्चे को लेकर, कि मैंने उठाया था उसने मेरे पे सुसु कर दिया ये वो. ठीक है, जैसे मैंने लिया रोने लग गया, आप ये सब करते जा रहे हो. सो ये क्या है, ये जो बहुत सारे प्रोसेस आपके, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे थॉट्स जो आपके माइंड में आ रहे हैं, ये सारे थॉट्स को हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्म. ठीक है, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग कहीं ना कहीं चाहिए होती है, बिकॉज हर एक जगह पर आपके प्रोजेक्ट का तरीका अलग है, ऐसा नहीं है यही रिस्क फैक्टर्स रहेंगे हर जगह पर, नहीं,
ठीक है, चल अब आगे लेके चलता हूं मैं आपको। अगला फंडा क्या कहता है, सेवन बेसिक एसेंशियल्स का है टीम पार्टिसिपेशन। सबसे पहली बात, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, उसके साथ आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए कि भैया मेरे को तेरे प्रोजेक्ट से रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अब देखो क्या होता है, बच्चा ना मेरे को कॉल करता है, हेलो सर बात कर रहे हैं, सर नहीं बात कर रहे, राहुल बात कर रहा होता तो वो बड़ा कंफर्टेबल है, जैसे वो बोलते हैं ना सर से बात करने, सर सर गुड आफ्टरनून सर, बेचारा डर जाता है, डर जाता है, क्यों, वो कंफर्टेबल नहीं है मेरे से बात करने में, उसको लगता है सर बीच में ऐसे करेंगे पांच पकड़, पांच से पकड़ के घोष निकाल देंगे, अगले काट लेंगे, क्या स्विच बोलेंगे ऐसे करके, क्या करेंगे, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपकी फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत जरूरी है बिटवीन प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड टीम, ठीक है। अगर आपका कम्युनिकेशन क्लियर है सर अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, तो डेफिनेटली आप बहुत इजीली रिस्क को मैनेज कर पाओगे, ठीक है सर, तो मतलब मुद्दे की बात है, मैं खाली पॉइंट्स याद रखूं, यस यस, ठीक है। अब ये रेपिटेशन किस चीज की है, देखो बेटा बहुत बार जो आपने आइडेंटिफाई कर लिए ना रिस्क, ठीक है, उस पे आपको अपडेटेड रहना होता है, ऐसा नहीं एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, तो मैंने आपको बताया रिस्क आइडेंटिफिकेशन कब कब चाहिए, प्रोजेक्ट की बिगनिंग में और प्रोजेक्ट जब चल रहा है तब, दोनों स्टेजेस पे हमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन चाहिए, ठीक है, आई बात समझ, दोनों स्टेजेस पे चाहिए। अब जो भी रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर दिया, आपने रजिस्टर में लिख लिया, उसको अपडेट करते रहने, जैसे हम सिलेबस को अपडेट करते रहते हैं वैसे। अगली बात पे आते हैं जिसको हम कहते हैं अप्रोच। अप्रोच क्या होती है, देखो हर एक तरीके के आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं। पहला तो ये होता है कि सीधा सीधा आप एक जाओ भैया और आप रूट कॉज, जड़ क्या है, जैसे मैंने आपको बताया रजिस्टर के अंदर हम एंट्री करते हैं रिस्क और उसका सोर्स, तो अब उसका रीजन क्या है, वो रिस्क आपके पास क्यों है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। देखो वन मेथड इज टू आइडेंटिफाई ऑल रूट कॉजेस, अनडिजायरेबल इवेंट्स और उनका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, और दूसरा फंडा क्या है, दूसरा फंडा है ये आइडेंटिफाई करना कि क्या क्या एसेंशियल परफॉर्मेंस फंक्शंस हैं, ठीक है, कि आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या एसेंशियल्स चाहिए। अब एक चीज और बताओ, क्या बताओ कि सर ये डॉक्यूमेंटेशन आपने करवा ली है, आप कह रहे हो डॉक्यूमेंटेशन करवाऊंगा एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, तो ये मैं कर क्यों रहा हूँ, बेटा देखो ये फ्यूचर में काम भी तो आएगी आपके। अच्छा देखो आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, अभी मैंने पढ़ा दिया, आप क्या करते हो इन चीजों को लिख लेते हो, बुक है उसमें मार्क कर लेते हो, ऐसा क्यों है, फ्यूचर एनालिसिस, अगर कल को जरूरत पड़ेगी आपको, आपको तो नहीं पड़ेगी, हो जाओगे बट आपके किसी भाई बहन को जरूरत पड़ेगी तो आप सीधा सीधा ये ले मैं भी पढ़ा था इससे पास हो गया, ठीक है, फॉर पर्टिकुलरली फॉर फ्यूचर रिस्क मैनेजमेंट टीम एनालिसिस, ठीक है सर, कौन रिकॉर्ड करता है, मेनली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट मैनेजर, इसको रिकॉर्ड कर, ठीक है, ओके ठीक है, आगे चलते हैं रूट्स एंड सिम्टम्स। अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए आपको बहुत जरूरी है ये आइडेंटिफिकेशन करना कि भैया अगर कोई रिस्क आ रहा है तो उस रिस्क की जड़ क्या है, उस रिस्क की रीजन क्या है, ठीक है, to find the root cause of risk instead of mistaking them with symptoms. बेटा symptoms नहीं बताने, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को डॉक्टर पूछता है क्या हो रहा है, अंकल यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, खांसी हो रही है बेटा जुकाम भी, आप symptoms बता रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, that is the root cause, ठीक है, याद रहे आपको symptoms नहीं बताने होते, आपको reason बताना होता है। सर रीजन तो वो बताएगा जो जो एक्सपर्ट होता है, हाँ प्रॉब्लम बताओ मैं रीजन बताता हूँ, सर मेरा प्रोडक्ट मार्केट में पसंद नहीं आ रहा है, ओके इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, आपके प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा है, आप शायद अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, सर कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ ये रीजन है। अब ये इसके पीछे रीजन आएंगे बहुत सारे, कॉज पता चल गया दैट कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए वो मेरा प्रोडक्ट मांग ही नहीं रहा, अब वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं है इसके बहुत रीजंस, कॉम्पिटिटर मुझसे अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, मुझसे मैं क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, क्या मेरा प्राइस ज्यादा है, ठीक है, क्या जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है मैं वही प्रोडक्ट बना रहा हूँ या कुछ और बना रहा हूँ, कस्टमर को चाहिए छोले भटूरे मैं कह रहा हूँ नई कचौड़ी बेचता हूँ मैं, तो कहां से कस्टमर सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं, अब याद रहे रूट कॉज अलग होता है और सिम्टम अलग होता है, अब एसेंशियल आइडेंटिफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रूट्स एंड सिम्टम्स के लिए। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, सर ये PDRI प्रोजेक्ट डेफिनेशन रेटिंग इंडेक्स,
अब ये क्या बवाल है, ये क्या सिस्टम है, PDRI है क्या? PDRI क्या है पर्टिकुलरली जब आपको हाई रिस्क एरियाज होते हैं, देखो कुछ जगह होती है सब टाइप उतार है हाँ उतार है, तो कुछ जगह होती है जहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, कुछ जगह होती है जहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है। अब जहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है, जहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है उन जगहों पे एज अ रिस्क असेसमेंट टूल हम यूज करते हैं PDRI, ठीक है। इस टूल से क्या होता है कहीं ना कहीं हमारे रिस्क कम हो जाते हैं। सर ये टूल लगता कैसे है, काम कैसे करता है, जब आपको कभी रिस्क मैनेजमेंट पूरा पढ़ने को मिलेगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, आई बात समझ। इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें डालते हैं, स्कोप, बजट, डेडलाइंस, बहुत सारे रिस्क मैग्नीट्यूड सारा कुछ डालते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि कैसे हम इस रिस्क को कम कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। ओके, इवेंट ट्रीज, अगर कभी पूछता है आपसे कि विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर हाई रिस्क एरियाज, PDRI, ठीक है, PDRI। अब इवेंट ट्रीज क्या करते हैं, देखो एक पर्टिकुलर रिस्क है उसके अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी फॉल्ट उससे रिलेट हो रहे हैं वो सारे हम यहाँ पर बनाते हैं। इवेंट ट्री कैसे होता है, आपने ऐसे पेड़ बनाया और इसके अंदर जितनी भी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखेंगी। ठीक इसी तरीके से इवेंट ट्री के अंदर जितने भी इवेंट्स हैं उनके पीछे जितने भी फैक्टर्स हैं और जितने भी फॉल्ट्स हैं वो सारे के सारे रिलेट करते हैं। आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो सर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसमें, कौन कौन से फॉल्ट्स हैं जो उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सर होता कैसे, देखो जो टॉप ऑफ द ट्री है ना यहाँ पर आता है बेटा इवेंट, ठीक है, बिल्कुल टॉप पे एक होता है उसको छोटे 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 ब्रांचेस को ऐड कर करके कर करके एंड पे टॉप पे हमें ट्री बनाते हैं, और उस ट्री को नीचे से देखो ये टॉप है आप इसको समझ लो इवेंट, और इसको नीचे से यहाँ से सपोर्ट मिलती है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंडीशन, कंडीशन और इवेंट, इस तरीके से इवेंट ट्रीज चलते हैं। आई बात समझ, ओके। तो सर मतलब टॉप ऑफ द ट्री इज नोन एज इवेंट एंड इट इज सपोर्टेड बाय एनी कंडीशन, जिससे क्या होता है इवेंट बनता है। ओके, तो मैं इसको याद कैसे रखूंगा, 7 पॉइंट्स को याद करने का थोड़ा आसान तरीका बनाओ, आप कर सकते हो रेटेड, रेटिंग करते हो ना, रेटेड करने के बाद TRAD और आपका आ गया ये E, उसके बाद ये दोनों को अलग से याद कर लेना, रूट एंड सिम्टम एंड प्रोजेक्ट डेफिनेशन एंड रेटिंग, उसके बाद आप लिख सकते हो रूट एंड सिम्टम्स, और उसके बाद आपको बेटा जो नेक्स्ट लिखना है दैट इज PDRI, ठीक है, आई बात समझ। नेक्स्ट पे चलें, चलो जल्दी लेट्स क्विकली मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। अब आप बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की। स्वॉट एनालिसिस ना मैं तब करवाता हूँ जब पेपर आने वाला होता है ना, तो उससे पहले हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या है, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आप पेपर में जा रहे हो, मैं बिजनेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्वा पता तुम्हारे को बिजनेस के बारे में, स्वा स्वा मैं बात कर लूंगा बड़ी सारी, बैंगर नहीं समझ आना। तो अब देखो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आपको उन अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है, और वही चैप्टर्स में से आप क्या करते हो मैक्सिमम स्कोर कर लेते हो और सीधा सीधा आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हो। सर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव है सीधा सीधा पास होना, ठीक है, strengths that can help to achieve project objectives. W से क्या आता है सर, देखो weakness आती है, आपकी weakness क्या है, weakness वो चीज़ है जो आपको पास नहीं होने देगी। आज के टाइम पे क्या है, presentation, सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है यार, presentation नहीं आ रही है मुझे, so anything that can prevent a project from achieving its objectives. आई बात समझ, चलिए आगे, opportunity, और कौन सी जगह पे आप खुद को सक्सेसफुल कर सकते हो, कौन कौन सी और अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, एक्सटर्नल कंडीशंस दैट कैन हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। आपको बाहर से कोई हेल्प मिल गई दैट इज एन अपॉर्चुनिटी, आप क्रैक करने वाले थे पेपर, आपको कोई क्वेश्चन आता नहीं था, आप बाहर गए वॉशरूम में तो आपको आपने पूछा यार इसका आंसर आता है, उसने तुम्हारे को दो तीन पॉइंट बता दिए, तुमने आके लिख दिया, तुम पास हो गए, सो दैट इज एक्सटर्नल कंडीशन जिसने आपको प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव में हेल्प। थ्रेट क्या होता है, एक्सटर्नल कंडीशन दैट कैन प्रिवेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तुम लोग वॉशरूम गए, वहां पे कोई मिला यार ये आता तेरे को बता दे यार बता दे यार, उसने बता दिया, ऊपर से टीचर आ गया पकड़ लिया तुम्हारे को अंदर ले आया, कह रहा चुपचाप बैठ के अपना पेपर कर। एक्सटर्नल कंडीशंस याद रहे बेटा, स्ट्रेंथ और वीकनेस ये दोनों चीजें इंटरनल होती हैं,
जो आपको पास कितना आता है कितना नहीं आता है ये आपको पता है. अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स दे आर पर्टिकुलरली एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल, इन दोनों चीजों को समझ के चलना. ठीक है बेटा, आई बात समझ? चलें आप चलो सर. दोनों चीजें फायदेमंद भी हो सकती हैं, नुकसान भी कर सकती हैं. आपको पता ही अपॉर्चुनिटी आपको मिली चीटिंग करने की, आप पकड़े गए तो नुकसान हो गया, अगर नहीं पकड़े गए तो फायदा हो गया. ठीक है, अब सर पहला काम मैंने कर लिया वो था रिस्क आइडेंटिफिकेशन. अब मेरा दूसरा स्टेप आता है जिसको मैं कहता हूँ रिस्क एनालिसिस. सेकंड स्टेज क्या है? एनालाइजिंग द रिस्क. अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, देखो देखो, अब इसके अंदर मैं प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता हूँ. पहले तो मैंने क्या करा, मैंने तो सिंपल तरीके से बड़ा थ्रेट को आइडेंटिफाई कर लिया. मैंने कहा यार मुझे रिस्क के बारे में आइडेंटिफिकेशन होगी तो ही तो मैं जाकर उसको मैनेज कर पाऊंगा, कह रहा वरना मैं मैनेज कैसे कर पाऊंगा. मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है. कहता अब ये रिस्क एनालिसिस के अंदर क्या करता, कहता मैं पूरा का पूरा तरीके से एनालाइज करता हूँ. रिस्क एनालिसिस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, कैसे? एज इट रिक्वायर्स टू ड्रॉ ऑन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन. आपका एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चल रहा है उस पे फाइनेंशियल डेटा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, मार्केटिंग फोरकास्ट, कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है. अब किसी चीज को एनालाइज करना है तो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तुम एक लड़की देखने जा रहे हो, तुम्हारे को शादी करनी है, जिंदगी बसानी है उसके साथ. अभी एक बात तो सिर्फ फेसबुक प्रोफाइल देख के काम चल जाएगा? नहीं सर, मैं बताता हूँ क्या होता है. वहां पर पहुंच जाओगे, उसके पड़ोस में बंदे भेजोगे चेक करने के लिए, बंदे भेजोगे चेक करने के लिए. वहां पर जाके चेकिंग की जाएगी कि यार क्या ये ठीक है, क्या मतलब ठीक है, घर वाले कैसे हैं, ये कैसी है, वो कैसी, फलाना ढिमकाना, सब कुछ हो, राइट. सो ठीक, इसी तरीके से अब आप क्या कर रहे हो, एनालिसिस. क्या कर रहे हो? एनालिसिस. बेटा रिस्क एनालिसिस के लिए आपसे पूछ सकता है कि रिस्क एनालिसिस क्या काम करता है. बिल्कुल काम करता है यार, बिल्कुल काम करता है. हर एक चीज को आप एनालाइज कर रहे हो. आप उसके पड़ोस से एनालाइज कर रहे हो, आप उसके पीछे, आजकल तो क्या करते हैं लोग, डिटेक्टिव एजेंसी लगा देते हैं बंदों के पीछे. पता तुम्हारे को, वो जैसे मैं आया हूँ यहाँ पे, मेरे पीछे डिटेक्टिव लगा होगा किसी को मुझसे शादी करनी है, वो देखेगा ये आदमी कितनी देर बैठता है कितनी देर नहीं बैठता है यहाँ पे. पड़ोस में आ जाएगा मेरे ऑफिस के, अरे यार ये बंदा है यहाँ पे आता है, ये कैसा आदमी है. पड़ोस वाले बोलेंगे बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, क्या बात करो, आप जाओ मिलने के लिए कभी होता ही नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी. अच्छा 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 अच्छा, आप कभी जाओ, वो कह रहे हो तो अंदर कॉन्फ्रेंस चल रही है, अंदर क्लास चल रही है, बच्चे हैं अभी तो, अभी नहीं भेज सकते आपको, सर लाइव हैं, किसी से बात कर रहे हैं. कह रहा अच्छा अच्छा अच्छा, मीटिंग चल रही है, ऐसा होता तो कह सर मिलता ही नहीं है, बंदा बहुत शानदार एकदम. अब एक बात बताओ क्या कर रहा है वो, कहने हर तरीके से एनालाइज कर रहा है. इसी तरीके से हर तरीके से आप रिस्क को एनालाइज कर, आप अपना टाइम, पैसा, रेपुटेशन, ये सब चीजों को बचाने के लिए रिस्क एनालिसिस करते हैं. तो रिस्क एनालिसिस में सर मेरे को फायदा क्या होता है, देखो व्हाइल प्लानिंग प्रोजेक्ट, जब आप प्रोजेक्ट्स को प्लान कर रहे हो, ये आपको हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग पॉसिबल प्रॉब्लम्स. कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती, इन चीजों के बारे में बात की जाती है. यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि भैया अपने को एक प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना. आपको मेरे को एक बंदा एक सब्जेक्ट ऑफर करता है कि आप मेरे यहाँ पे आ जाओ ये सब्जेक्ट पढ़ना. अब मैं सीधा चला जाऊंगा, पता चला वो साला काम तो करा लेता है, सुबह से लेकर शाम तक क्लास चलती है उसके यहाँ पे, और पैसे देता ही नहीं है किसी को. सर ऐसा थोड़ी होता होगा, टीचरों को पैसे देता है, बहुत इंस्टीट्यूट लाइन लगा के पढ़े हैं. और एक बात और बताता हूँ, ये तुम बड़े 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 ब्रांड्स देखते हो, आधे से ज्यादा जानते हैं सर. चलो आगे चलते हैं. While improving safety and managing potential risk in workplace. अब क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर आप चीजों को एनालाइज करोगे तो आप रिस्क को बहुत अच्छे से सेफली और सेफली मैनेज कर सकते हो. ऐसा हो सकता है अगर आप रिस्क को एनालाइज करोगे बेटा. अच्छा देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने एक चैप्टर लिया, आपने बुक ली, उसको पूरे तरीके से एनालाइज करा स्कैनर के साथ रख के कि क्या आने वाला है क्या आने नहीं वाला है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, मैं पूरा का पूरा. ठीक है, आई बात समझ? While preparing for events, जैसे कि बहुत बार क्या होता है, अगर आप बहुत अच्छे से, आपके पास एक मशीनरी है सर, आपका एक प्लांट है, आप उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार कहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम है. मुझे पता चल जाएगा कि यार अगर फायर होता है तो मेरे इक्विपमेंट्स काम नहीं कर रहे. ठीक है, या तो फिर कहीं अगर मशीनरी है, मशीनरी की टाइमली सर्विस नहीं होगी तो मेरी टेक्नोलॉजी ही नीचे गिर जाएगी यार, क्या करूंगा. ठीक है, आई बात समझ? कुछ इवेंट्स हैं. अच्छा देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी जगह होती है, आप क्या देखते हो, फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइस रखा होता है, देखते हो आप,
है ना, मॉल्स वगैरह में जाते हो, उन फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइसेस को एक टाइम पीरियड होता है 3 महीने 6 महीने, उसके अंदर उसको चेक करना होता है, पता चले आग लग गई, आप डिवाइस लेके आओ, चल ही नहीं रहा है, वो चलता ही नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पे इतने सालों से बस रखा ही हुआ है, आपने सिर्फ कंप्लायंस के लिए करा हुआ है, ठीक है। पर ऐसा कोई इवेंट हो गया तो अब आप रिस्क एनालिसिस कर रहे हो, तो रिस्क अगर फायर है, ठीक है, अगर आग लग गई तो मैं उसके सोर्स पे जाता हूँ, सोर्स क्या है बेटा, सोर्स क्या है आग लगने का, कोई भी सोर्स है सर, शॉर्ट सर्किट हो गया तो मैं देखूंगा, शॉर्ट सर्किट हो गया तो मशीनरी वगैरह सब बढ़ जाएगी, तो सर वो मतलब अपने पास सही वायरिंग सब कुछ सॉकेट्स वगैरह सही होने चाहिए, एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं ये क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्क को एनालाइज कर रहा हूँ, पड़ोस वाली फैक्ट्री में आग लग गई, यहाँ पे मेरे मैंने सुना काफी टाइम पहले कि एक होंडा का शोरूम था, होंडा बाइक की बात कर रहा हूँ, गाड़ी की नहीं, होंडा का शोरूम था उसमें आग लगी बराबर, नहीं बजाज का शोरूम था उसमें आग लगी बराबर में यामा वाला था उसमें भी आग लगी, अब उनका क्या कसूर बेचारा होगा। While planning for changes in environment, देखो बहुत बार क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, ये आ जाता है रात को, मित्रों ये हो गया फलाना लो ढिमका, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, अब आप क्या करोगे, आपको उस चीजों के लिए प्लान करना है, प्लान कैसे कर पाओगे, जब आपने रिस्क को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करा है। लोगों ने हल्ला बहुत मचाया बेटा, आप तो ठीक है, आप तो जीएसटी तुम्हारा नॉर्मल हो गया है, बट जीएसटी आया लोगों ने बहुत शोर मचाया, 2002 से हम प्लान कर रहे थे दैट वी आर गोइंग टू कम अप विद अ वन नेशन वन टैक्स, पूरी दुनिया ने कर लिया था यार, जिन्होंने हमारे साथ प्लान करा, हम देरी से लाए, ठीक है। तो वी वर प्रिपेयर्ड ना, हमने पहले ही अपने रिस्क को पूरे तरीके से एनालाइज कर लिया था कि ऐसा होने वाला है, रिस्क को एनालाइज नहीं करा तो गए, कोई बड़ी कंपनी ने शोर मचाया, इन्फोसिस ने शोर मचाया, टीसीएस ने, ये हमारा बाबा रामदेव के कंपनी अंजलि का पति पतंजलि कहते हैं जिसको, इन्होंने शोर मचाया, किसी ने नहीं मचाया, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डन देयर एनालिसिस, उनको पता, ठीक है। अब व्हेन ऑल द परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अब ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैथ्स में पढ़ते थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल इवेंट्स थ्रेट्स दे आर लिस्टेड व्हाइल एनालाइजिंग रिस्क। जब आप रिस्क पैरामीटर्स को एनालाइज कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, आपने जितने कॉम्बिनेशन, जितने आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी, जितने इवेंट्स बनते हैं, आपने सबको कंसिडर किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ इवेंट्स को बीच में छोड़ दो। चले आगे, बोले बेटा चले आगे, मूविंग अहेड, अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अब रिस्क एनालिसिस, सर ये जो पहले वाला आपने मार्क करवाया, ये काम का है क्या, नहीं, ये क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट आर यूजेस ऑफ रिस्क एनालिसिस, बट इससे पहले हाउ टू यूज, या तो फॉलो दीज स्टेप्स, या आप कह सकते हो प्रोसेस ऑफ रिस्क एनालिसिस, ये काम का है आपके, रिस्क एनालिसिस काम कैसे करेगा। सबसे पहली चीज तो आपको पता है, आइडेंटिफाई थ्रेट्स, आपको बेटा खतरों को, जो आपके रिस्क है, जो आपके अनसर्टेनिटीज है, उनको आइडेंटिफाई करना। अब मुझे समझना है कि कहीं ना कहीं भैया इन चीजों से मेरे को लॉस हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन रिस्क एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग एंड पॉसिबल थ्रेट्स दैट वन मे फेस। प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे हो सकती है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लास देना बहुत जरूरी है, लाइट चली गई, अरे भाई सब लोग घुस गए, अब क्या होगा, बैकअप है हमारे पास, मैंने भी दिखाया था आपको, लाइट आ गई फिर एकदम से, आपने क्या करा है, रिस्क को आइडेंटिफाई करा है, एनालाइज करा है, और फिर उसको मिनिमाइज कर दिया। सर पूरा दिन लाइट नहीं आएगी तो कमर्शियल जगह ही है, गवर्नमेंट जो है रेजिडेंशियल जगह पे बिजली काट देगी, वहाँ रेट कम है, कमर्शियल पे नहीं काटेगी, यहाँ पैसा ज्यादा मिल रहा है, समझो बात को, गवर्नमेंट की साइड पे जाके सोचा करो ना, आपको एक जगह से 10 रुपए यूनिट आता है, 15 रुपए यूनिट आता है, आपको दूसरी जगह से आ रहा है 3 रुपए 4 रुपए यूनिट, कहाँ पे फायदा है सर 10 रुपए वाले पे, किसको काटोगे, 10 वाले को, 3 वाले को, 3 वाले को काटूंगा सर, समझ आई बात, आई बात समझ। अब These can come from many sources. अब आपके जो रिस्क है बहुत सारी जगह से आ सकते हैं, कैसे, जैसे ह्यूमन रिस्क है आपके पास, ह्यूमन रिस्क कैसे आता है सर, देखो कोई आपका एम्प्लॉय है बीमार हो गया, अब वो नहीं आएगा काम पे, डेथ हो गई, इंजरी हो गई, प्रॉब्लम, ऑपरेशनल प्रॉब्लम, बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे हैं आपके, इसेंशियल एसेट्स थे आपके, मशीन थी खराब हो गई, ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। रेप्यूटेशनल लॉस क्या होता है, कहीं ना कहीं आपकी मार्केट रेप्यूटेशन पे लात पड़ गई, कैसे, जैसे मैगी को पड़ी थी, मैगी को लेना नहीं बंद कर दिया था लोगों ने, कहा था इसमें लेड है, खाओगे मर जाओगे, फलाना ढिमकाना, लॉस ऑफ रेपुटेशन। आपको दिखता है पेप्सी की बॉटल है, आप पेप्सी देखो, बता दो पेप्सी होती है, पेप्सी हाँ सर होती है, एक गंदी चीज है, कोई बात नहीं सर, भी बहुत पीते हैं, मजा आता है पेप्सी पी के यार, तो छोड़ो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। प्रोसीजरल क्या होता है, जैसे आपने इंटरनल कंट्रोल पढ़ा है, इंटरनल चेक्स पढ़ा है, इंटरनल ऑडिट पढ़ी है, तो वो सब चीजें क्या है, दे आर इंटरनल फेलियर्स,
आपके अंदर के सिस्टम ही फेल कर जा रहे हैं सर, ठीक है। प्रोजेक्ट फेलियर्स, प्रोजेक्ट फेलियर्स कैसे होते हैं, मैंने एक प्रोजेक्ट था मेरा, मैंने बजट बनाया उसका 500 करोड़ रुपए, वो प्रोजेक्ट पे खर्चा करते करते 500 करोड़ से ऊपर हो चुका है, एक बजट के अकॉर्डिंग नहीं किया, ठीक है। एक टाइम पीरियड था, जैसे एक पिक्चर बनानी थी, वो पिक्चर बन जानी चाहिए थी 2 महीने के अंदर, 2 महीने में नहीं बनी, 6 महीने लग गए, टेकिंग टू मच टाइम, टेकिंग टू मच मनी, गोइंग ओवर बजट, ठीक है। आई बात समझ, आपने प्रोजेक्ट बना दिया, प्रोजेक्ट कैसा होता है बेटा, एक नया प्रोजेक्ट क्या होता है, जो देखो कंपनी जैसे ह्यूंडई नई गाड़ी लेकर आई, इलेक्ट्रिकल कार, आप सब लोगों ने काफी टाइम पहले सुना था, दैट दे वर द फर्स्ट वन टू लॉन्च सच काइंड ऑफ कार, नहीं सर महिंद्रा E20 आई थी बहुत पहले, छोड़ो ना जो भी है, एक कंपनी इलेक्ट्रिकल कार लेकर आई, ठीक है। वो जब इलेक्ट्रिकल गाड़ी लेकर आई तो दैट इज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो वो लॉन्च करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट के लिए एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट, दैट इज प्रोजेक्ट, ठीक है। फाइनेंशियल फेलियर्स हो सकते हैं, फंडिंग में प्रॉब्लम आ गई, आपको काम करना है सर, पैसा नहीं है आपके पास, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, आपने बैंक से पैसा लिया था, बैंक ने इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, पीछे से RBI ने रेट बढ़ा दिया, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल रिस्क, टेक्निकल रिस्क, अब टेक्नोलॉजिकल फेलियर आ गया, ये मैं क्लास दे रहा हूँ ना, क्लास तो दे रहा हूँ पर क्या हो रहा है, रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है यार, ये टेक्नोलॉजिकल फेलियर, इस सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आने की वजह से 3 दिन हम लोग स्ट्रक रहे, फिर हमने US में बात करी, फलाना ढिमकाना, उसने बोला ऐसे करो वैसे करो, कुछ नहीं था, एक 2 MB का अपडेट मांग रहा था बस, उसकी वजह से मैं जो बोल रहा हूँ तुम लोगों के पास देर में पहुंच रहा था, क्या था, टेक्नोलॉजिकल फेलियर। आपको क्या करना होता है, टेक्नोलॉजी रखनी होती है एकदम एडवांस्ड, ठीक है। आगे चले, अब होती है नेचुरल फेलियर, ये तो आपको पता है, भूकंप, सुनामी, ओ माय गॉड भूकंप आ गया, ठीक है। पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस कैसे होते हैं बेटा, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने टैक्स चेंज कर दिया, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर दी, फॉरेन इन्फ्लुएंस हो गया बहुत ज्यादा, टैक्स चेंज कर दिया हमारे, जैसे पहले आप सर्विस टैक्स पे करते थे, उसके बाद आप पे करते हो GST, कुछ चीजों पे कम था बढ़ गया, 18 हो गया, ठीक है। मेरे पास आया 18% GST बढ़ गया, पता तुम लोग, सर हम तो टैक्स देते ही नहीं, कहां से 18% GST तुम लोगों पे लगा है, तुम्हारी फीस के अंदर इंक्लूड हुआ है, सर आपको कैसे पता, जब इतना बुरा लगता है ना, जब इतना बुरा लगता है, तुम लोगों ने पैसा दिया उसमें से इतना सारा गवर्नमेंट ले जाती है यार, तुम लोग लगता है हम तो टैक्स भरते ही नहीं, उसमें सर आप मत भरो, अच्छा तुम में से एक ने भी क्रेडिट उठा लिया सर तो घुस जाएंगे, आई बात समझ, चलो आगे चलते हैं। स्ट्रक्चरल डैमेजेस, स्ट्रक्चरल डैमेजेस क्या होते हैं बेटा, देखो कहीं ना कहीं जो आपका स्ट्रक्चर है, आपकी जैसे जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, लाइटिंग्स है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल फेलियर्स आपका कहीं ना कहीं जो आप काम कर रहे हो, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना है आप लोगों ने, गूगल करना, एक यूट्यूब वीडियो होगी, एक आधी देख लेना, उसके ऊपर मजा आएगा, पता चलेगा आपको कि कैसे डेंजरस केमिकल्स हैं, उसकी वजह से लॉस हो गया बहुत ज्यादा, पूरा लाइटिंग है, फॉलिंग बॉक्सेस हैं, सामान रखा हुआ ऊपर नीचे, लेबर काम कर रही है, सामान गिर गया, हाथ कट गए, लो स्ट्रक्चरल रिस्क, स्ट्रक्चरल रिस्क, आपका स्ट्रक्चर ही बेकार था, ठीक है। आई बात समझ, चले बेटा आगे बोलो, सबसे पहला क्या प्रोसेस था हमारा, रिस्क को आइडेंटिफाई, ठीक है। अगला पॉइंट कौन सा है, रिस्क को एस्टिमेट करना। एक बार सर ये वाला बीच में नहीं लिखूं, फिर तू कहेगा बहुत सारा लिख लिया है, बहुत सारा लिख लिया है, पेपर में कैसे पढ़ूंगा, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, एस्टिमेट रिस्क माने, देखो सबसे पहले क्या होता है बेटा, आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करा, आइडेंटिफाई करने के बाद अब आप उसको कैलकुलेट करते हैं, मतलब अब मैं करता हूं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसी कैलकुलेशन, one way of doing this is to make the best estimate of probability of an event occurring, achha, and then to multiply, and then to multiply it with the amount it will cost to bring the things to right track. Risk ki value kya hoti hai, sir ki meri machinery kharab ho jayegi, machinery kharab ho jayegi, achha to machinery kharab hone ki probability kya hai, sir 50-50 maan lo, abhi kuch keh nahi sakte, temporarily chal rahi hai, चल भी सकती है खराब भी हो सकती है, चल भी सकती है खराब भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5, 50-50 है बेटा, बिस्किट नहीं है, 0.5 है। और सर अगर मेरी मशीनरी खराब हो जाती है तो मुझे 2 लाख रुपए लगेंगे, 2 लाख रुपए लगेंगे उसको रिपेयर करवाने में, ठीक है, 2 लाख रुपए लगेंगे उसको रिपेयर करवाने में। तो अब मुझे चीजों को टू सेट द थिंग्स ऑन द राइट ट्रैक, वापस ट्रैक पे लाने के लिए कितने पैसे लगेंगे, 2 लाख, मेरे रिस्क की वैल्यू कितनी है 1 लाख, दिस इज एन एस्टिमेट, ठीक है। आई बात समझ, ऐसे हम रिस्क का एस्टिमेशन निकालते हैं, ओके ठीक है सर, एक एस्टिमेट माना, मोटा मोटा आपने एवरेज तो निकाली और आपने किया क्या, हाँ सर को आता ही है, सर को
आता ही क्या, बातें ही करते हैं, बस बातें करते हैं, इतने पैसे लेते हैं आप, चले आज। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब रिस्क हो गया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने असेसमेंट सॉरी उसका एस्टिमेशन भी निकाल लिया, ठीक है, आई बात समझ बेटा। अच्छा देखो बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे हैं, उनका क्या है कि वो जैसे रेंट पे है, जब आप रेंट पे हो तो बेटा क्या होता है, आपका रेंट इंक्रीज होता है हर साल, ठीक है। तो आपने इन्होंने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस कॉस्ट ऑफ इवेंट, इसको मल्टीप्लाई करके आप रिस्क की वैल्यू निकाल लेते हैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन हो गया, रिस्क एनालिसिस हो गया। अब रिस्क एनालिसिस के बाद आता है रिस्क असेसमेंट, ठीक है। अब जितने भी रिस्क हैं असेसमेंट ऑफ ईच एंड एवरी रिस्क दोनों टर्म्स पे, क्वालिटी पे भी और क्वांटिटी पे भी, ठीक है, असेसमेंट ऑफ रिस्क दोनों टर्म पे, क्वालिटी पे भी क्वांटिटी पे भी, दोनों पे ही मुझे इवैल्यूएट करना ही करना है। आई बात समझ? ओके ठीक है सर, क्योंकि मुझे रॉ डाटा से क्लियर इमेज नहीं पता चलती, तो मुझे क्या करना है, दोनों एस्पेक्ट्स पे उसे आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है। लो इतना सही था, बस आर यू श्योर, चेक करते हैं, रुको, रिस्क असेसमेंट बस इतना सही है। आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया आपने मेरे साथ, एसेंशियल्स पढ़ लिए, स्वॉट एनालिसिस एनालिसिस पढ़ लिया पूरा, उसके बाद असेसमेंट, हाँ इतना सही है यार, बस इतना सही, ठीक है। अच्छा सर अब ये क्वांटिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी के बेटा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के लिए आपने पढ़ा हुआ है स्टैट्स, इसके लिए मैं स्टैटिस्टिकल टर्म्स यूज करता हूँ, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है ना आपने, उसको यूज किया जाता है, ठीक है, आई बात समझ। और क्वालिटी के लिए तो पर्टिकुलरली मुझे विजिट करना होता है, कंपेयर करना होता है बाकी के ऑप्शन अवेलेबल से कि मैं किस क्वालिटी पे ऑपरेट कर रहा हूँ, क्वांटिटी तो मेरी स्टैटिस्टिक्स से निकल आती है सीधा सीधा, ठीक है, आगे चलते हैं। तो रिस्क असेसमेंट में से तो सर क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा तो सीधा सीधा रिस्क आइडेंटिफिकेशन पूछेगा या वो वाला पूछेगा जो आपने बताया, आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके, अब तो ज्यादा मार्क नहीं करा रहा। रिस्क मिटिगेशन, अब रिस्क को क्या होता है, रिड्यूस करना, जैसे मैंने बताया वो जा रहा है उसको प्रपोज करने के लिए, उसको लगता है यार चपेट मार देगी मेरे बूढ़ी जोर से, यार चपेट मार देगी यार, अब हाथ में क्या है उसके, पूजा की थाली तब जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, कहीं ना कहीं जो एडवर्स इफेक्ट है उसको लगता है चप्पल से मारेगी मेरे को, मंदिर में गया तो क्या चप्पल ही नहीं पहनी है लड़की ने, मारेगी कैसे तेरे को, ठीक है। तो रिस्क मिटिगेशन है ये, रिस्क मिटिगेशन क्या है बेटा, ऐसे स्टेप्स जिससे मैं जो मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट क्या है, हाँ ये इस वाली भी तो मैंने हाँ करती सॉरी वो तो ना करती था, अब प्रोजेक्ट क्या है अल्टीमेटली उससे हाँ करवाना, अब अगर हाँ वो ना करे, नेगेटिव इफेक्ट्स एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, तुम्हारे को चपेट मार देगी, चप्पल से मारूंगी, चप्पल पहनी है उसने पैरों में, कैसे मार देगी तुम्हारा, टू रिड्यूस एडवर्स इफेक्ट्स। रिस्क मिटिगेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलरली प्रोसेस, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस जिससे हम कहीं ना कहीं एक अनअसेप्टेबल रिस्क जो एसोसिएटेड है उसको कम करेंगे टू मिनिमाइज और एलिमिनेट अनअसेप्टेबल रिस्क एसोसिएटेड विद ऑपरेशंस। जो रिस्क है उससे होने वाला जो नुकसान है उसको कम करने को क्या कहते हैं, रिस्क मिटिगेशन। आई बात समझ बेटा, बोलो मेरे लाल, चले आगे, चलो आगे चलो। सर रिस्क को मैं कट शॉर्ट कैसे करूंगा, मैं रिस्क को कम कैसे करूंगा, इसकी स्ट्रेटजीज क्या क्या है, चार टाइप की स्ट्रेटजीज होती हैं रिस्क को कम करने के लिए, टू अप टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। आप रिस्क को या तो सर पूरा का बहुत सारी तरीके हैं, आप रिस्क के लिए क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहली बात तो देखो छोटी सी बात है, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो मैनेज कर दो, एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दो मतलब रिस्क वाला कोई काम करना ही नहीं है हमारे को यार, रिस्क वाला कोई काम करना ही नहीं है। एक टीचर ने बोला, कह रहा सर आप कोर्स बना के दे दो मेरे को, मैं कितने दिन में, कह रहा 20 दिन में, मैंने कहा क्या पढ़ाना है, तो उसने एक फाइनल लेवल का सब्जेक्ट बताया, मैंने कहा अच्छा 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 अच्छा, कह रहा बस फटाफट पढ़ा के दे दो 20 दिन के अंदर कंप्लीट कर देना, मैंने कहा 20 दिन के अंदर तो हम लोग अपने शेड्यूल के हिसाब से 40 घंटे की क्लास निकाल पाएंगे बस, कह रहा कोई बात नहीं दे दो आप यार, मैंने कहा काम है रिस्की, काम क्या है रिस्की, बच्चा पास हो ना हो, कह रहा नहीं दे दो, मैंने एलिमिनेट कर दिया रिस्क, मैंने क्या बोला रिस्की प्रोजेक्ट करना ही नहीं है, ठीक है, और रिड्यूस रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल, रिड्यूस रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, या फिर इतना ही रिस्क लिया जितने रिस्क को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ,
जितने रिस्क में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक दोस्त को पैसे दिए, ठीक है, वो लेके भाग जाएगा, रिस्क है, लेके भाग जाएगा, रिस्क है। मैंने उस रिस्क को मैनेज कर लिया, मैंने कहा भाई बदले में मेरे को कुछ दे जा। कह रहा क्या दे जाऊँ, मैंने कहा तेरी बाइक मेरे को दे जा। बाइक दे गया, मैंने क्या करा, रिस्क को मैनेज कर लिया। वो पैसे मांगने आया, मुझे पता था हरामी एक नंबर का, मैंने पैसे दिए ही नहीं, रिस्क को क्या कर दिया, एलिमिनेट, ठीक है। अब मेरे दोस्त ने कहा पैसे दे दे, मैंने कहा ठीक है ये ले 100 रुपए, मैंने कहा तू लेके भाग भी जाएगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिड्यूस कर दिया रिस्क को टू एन एक्सेप्टेबल। एक बार प्लान इंप्लीमेंट हो जाता है तो अब ये चीजें तो करनी ही पड़ती हैं, कॉज ऑफ एक्शन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटजीज टू मैनेज द रिस्क, अब किसी ना किसी एक ना एक तरीके से आप रिस्क को मैनेज करते ही करते, ठीक है, ओके। अरे बहुत सारा पढ़ लिया तुम लोगों ने तो यार, मेरे साथ बताओ, मैं तो ये नहीं समझता थी बच्चे मेरे स्लो चाल देने मान लो। लेट्स गो अहेड। अब सबसे पहली बात क्या होती है, ट्रांसफर रिस्क। अब रिस्क ट्रांसफर करना है, रिस्क ट्रांसफर करना है, यस। अब ये रिस्क ट्रांसफर होता कैसे है सर, मतलब आप ऐसी बात कर रहे हो, प्रपोज करने मैं जा रहा हूँ, आप कह रहे हो तेरे को चपेटनी पड़ेगी, तुम्हारे दोस्त को भेज देना, चपेट किसको पड़ेगी, तुम्हारे दोस्त, ठीक है, हाई बात समझ। सो हम क्या बात कर रहे थे, रिस्क को ट्रांसफर करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के अंदर, कि जो भी बंदा उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है, मैं ये रिस्क उसको ट्रांसफर कर देता हूँ। अभी एक बात बताऊँ यार, एक रिस्क है, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं डील कर रहा हूँ और एक एक्सपर्ट डील कर रहा है, दोनों में डिफरेंस होगा, बोलो बेटा, होता है ना, बहुत सारी कंपनीज अपना लीगल काम या फिर आप कह सकते हो अकाउंट्स, टैक्सेशन ट्रांसफर कर देती है। जैसे सर ने अपनी फर्म के लिए टैक्सेशन को ट्रांसफर किया हुआ है, आउटसोर्स किया हुआ है एक बंदे के पास। ऐसा क्यों, पता नहीं सर को सवाल ही पता जीएसटी के रिटर्न का, जीएसटी के बारे में पता है, चीजों के बारे में पता है, सेक्शन तक पता है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं है ना सर के पास जीएसटी की, यहाँ की पूछो जितनी मर्जी। बट अब एक बात बताओ, अब रिस्क है, हाँ सर बिल्कुल रिस्क है, तो मैंने क्या किया है, मैंने अपने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया है एक कोर कॉम्पिटेंस वाले आदमी के पास। ओके सर वो कौन है, वो तुम्हारे एक टीचर हुआ करते थे पहले यहाँ पे मेरे साथ, अभी नहीं है, वो टाइम नहीं है उनके पास। तो अब देखो अगली चीज, तो अब इसमें क्या होता है, इन प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स बहुत सारे टाइप के रिस्क होते हैं, सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट एजेंसीज बहुत सारी काम करती हैं, एंड दीज एजेंसीज टेक केयर ऑफ ट्रांसफर रिस्क इन देयर एरियाज, विच इज बेटर इक्विप्ड टू टेक केयर ऑफ रिस्क फॉर अ कंसिडरेशन। बेटा मेरी फर्म है, मैंने आपको बताया कि मैंने टैक्स से रिलेटेड सारा काम, एक मेरा दोस्त है सीए है, वो सीएसपी है, दोनों है सीएमए भी है, खाली है सर, खाली नहीं है, काम बहुत है इसके पास। तो अब मैंने इसको आउटसोर्स कर दिया है, अब ये क्या करता है, अब जो अगर कभी लेट फाइलिंग का रिस्क हो गया या फाइलिंग गलत हो गई, अगर हम फाइल करेंगे तो डेफिनेटली वी आर पीपल हु आर देयर इन टू लॉ, हम लॉ में हैं, तो लॉ में अगर कोई फाइलिंग गलत हो तो वो तो चांस ही नहीं है। बट सर जो मेरा एरिया नहीं है, मैंने उसके लिए क्या किया है, ये टैक्स रिलेटेड फाइलिंग्स का जितना रिस्क है मैंने ट्रांसफर कर दिया है अपने एक दोस्त। तो सर ये बदले में पैसा लेता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेता है पैसा यार, कितना पैसा लेता है ये तो नहीं बताऊंगा। अच्छा अब देखो, अब कोर कॉम्पिटेंसी वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, इंडिविजुअल या फर्म है जो उस एरियाज में डील करते हैं, ठीक है, दे आर कोर, they are the person having core competence, they are the one having core competence who are going to deal with such kind of aspects. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने रिस्क को ट्रांसफर कर देता हूँ। बेटा बात समझ में आई, चलो आगे चलते हैं। टॉलरेट रिस्क और रिटेन रिस्क, मैंने बोल दिया मगर चपेट मार देगी, कह रहा झेल लेगा तेरा भाई, रांझला पिक्चर चल रही है, 16 थप्पड़ खा चुका। टॉलरेट रिस्क और रिस्क रिटेंशन, इट इज द रिटेंशन ऑफ रिस्क। अब आप क्या कर रहे हो, आप रिस्क को रिटेन कर रहे हो, आप कह रहे हो कोई बात नहीं जो भी होगा मैं खुद सुलट लूंगा। इट इज एक्सेप्टिंग द लॉस व्हेन इट अकर्स। सर इसको देखो पेपर में टर्म कर देता है भारी की ट्रू सेल्फ इंश्योरेंस फॉल्स, मतलब अपना इंश्योरेंस मैंने खुद ही ले रखा है। ये कब पता है कब सूटेबल होती है, ये तब सूटेबल होती है, सूटेबल इन केस ऑफ स्मॉल रिस्क। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने अपने फ्रेंड को 100 रुपए दिए हैं, अब वो 100 रुपए का छोटा सा रिस्क है, मैं उसके लिए क्या करूंगा, कोई केस थोड़ी करूंगा। कोई बात नहीं यार, रिस्क था, छोटी सी बात है, आई कैन पर्टिकुलरली बियर दैट, मैं इतना तो बियर कर सकता हूँ। अच्छा ओके सर, ठीक है आई बात समझ।
तो बेटा सारे के सारे रिस्क तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। कुछ हैं जो बियर भी करते हो, गाड़ी चलाते हो, आप देखते हो पड़ोस में गाड़ी वाला आया, उससे टच हो गई, स्क्रैच पड़ गया, छोटा सा माइनर से छोटी सी तो बात है, बियर कर लेता है आदमी, बियर क्या पी लेता है सर वो वाली, नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं करते सर, जरूर अभी वैसे भी लंच टाइम होने वाला है, अभी ऐसी कोई बात नहीं करते, ठीक है बेटा आई बात समझ। तो सर इसमें और वो भी तो फंडे आते होंगे जो आप यहाँ पे आपको इंश्योरेंस मिलता ही नहीं है, बिल्कुल लड़ाई हो गई तुम्हारी, वॉर हो गया इंडिया पाकिस्तान, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते सर, आप कुछ नहीं कर सकते। अमाउंट जो इंश्योर्ड करा है वो तो होएगा ही नहीं, वॉर में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है और कुछ नहीं मिलता सर, मतलब ये भूकामी कह रहा हूँ, सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, इसमें क्या क्लेम नहीं मिलता, नहीं नहीं, इन सब चीजों में आपकी गाड़ी चोरी होने पे क्लेम, सॉरी अगर ऐसे नेचुरल क्लैमिटी में चली जाती है कोई क्लेम आपको नहीं मिलता। तो इसमें भी क्या करना होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो सर मुझे रिस्क तो रिटेन करना पड़ेगा ही, ठीक है। अब आगे चलते हैं रिस्क को रिड्यूस करना, तो सर मतलब रिस्क को मैं रिड्यूस करूँ, मेजर कैटेगरी यहाँ पर हम लाने की कोशिश करते हैं कि यार मेरा जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए, इतना कम हो जाए कि मैं एक्सेप्ट कर लूँ। मैंने एक बंदे से पैसे लेने थे, मान लो 5 लाख रुपए लेने थे, उसने 5 लाख रुपए में से मेरे को 480,000 रुपीज दे दिए, बड़े रो रो के दिए 20,000 रुपीज, मैंने कहा चल छोड़। अब मैं इस रिस्क को बेटा मैंने क्या करा, मैं उठाकर एक एक्सेप्टेबल लेवल पर ले आया, एक्सेप्टेबल लेवल मतलब जितना मैं बियर कर सकता हूँ, बियर माने आप बियर कर सकते हो, आप झेल सकते हो, ठीक है आई बात समझ। नॉट नेसेसरी टू ऑब्विएट डाइवर्ट द रिस्क बट इज मोर लाइकली टू कंटेन रिस्क और टू बियर द रिस्क अप टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। आई बात समझ बेटा, आई बात समझ, बोलो मेरे लाल। अब सर ये बहुत सारे तरीके होते हैं इसमें, आप रिस्क को कम करने के लिए आप क्या करते हो, चीजों को आउटसोर्स कर देते हो, क्या बात कर रहे हो सर, हाँ जैसे मारुति ने कर रखा है, तो मारुति का रिस्क बहुत कम है, मारुति की गाड़ी फेल होती है, अगर मारुति की गाड़ी फेल होती है किस कंपोनेंट की वजह से होती है, वो कंपोनेंट कहाँ से आया है, उसको पकड़ लेगा ये सीधा, इसने थोड़ी बनाया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हार्ड गुड्स। अच्छा आपने बहुत बार देखा है ना, मैं बताता हूँ और आपको कैसे होता है रिस्क कम कैसे होता है, आपका जो कस्टमर केयर है, ठीक है आपका कस्टमर केयर है, अब प्रॉब्लम हो जाती है सर मेरा कस्टमर है मेरे, अब देखो छोटी सी बात है मैं तुम्हारे को बताता हूँ, तुम सब लोगों का डेटा निकालने कोई आदमी, जितने बच्चे मेरे पास बैठे हैं सबका डेटा निकाल लिया है, डेटा निकालने के बाद अब वो क्या करता है, क्या करता हाँ वो आप सबको कॉल करता है कि अरे उनसे पढ़ रहे हो, रुको 2000 रुपये मुझे दो डायरेक्ट क्लास तुम्हारे को भेजूंगा, मैं कहा GST वगैरह कह रहा कुछ नहीं लगाऊंगा, अब क्या कर रहा है, जितने बच्चे बैठे हैं सबको ये काम कर रहा है, तो अब क्या कर रहा है, रिस्क है सर, रिस्क है बिल्कुल रिस्क है यार। तो मैंने क्या करा, अब ये जो कस्टमर केयर वाला फंडा होता है ये भी प्रॉब्लम वाला होता है, अब क्या होता है कस्टमर केयर को मैं आउटसोर्स कर देता हूँ, मतलब समझ नहीं आई बात, एक बार दोबारा बताओ थोड़ी सी, कस्टमर केयर को आउटसोर्स कर देते हैं मतलब, देखो बेटा रिड्यूस क्या करते हैं, जब आप कॉल करते हो बहुत बार कस्टमर पे, एयरटेल में आपका स्वागत है, तो ये कॉल कौन उठा रहा है तुम्हारे को पता ही नहीं है, वो बोलता है मुंबई से बोल रहा हूँ, US की कस्टमर केयर कॉल्स इंडिया में लैंड होती है, जो तुम्हारे दोस्त BPO में काम करते हैं ना वो बताएंगे, वहाँ की कॉल्स यहाँ पे आती है, क्यों सर यार यहाँ पे सस्ती मिल जाती है, यहाँ पे स्टाफ सस्ता मिल जाता है इंडिया में, वहाँ जाएगा उसको $30,000 का पड़ेगा स्टाफ साल का, $30,000 माने मल्टीप्लाई कर लो 70 से, 18 लाख का पड़ेगा या 25,000 में बंदा काम करने को तैयार हो जाता है, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग से हम क्या करते हैं, रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं, अब कस्टमर का डेटा मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब भैया सब कुछ अपने आप संभालेगा, ठीक है आई बात समझ। ओके सर ब्रेक नहीं दिया आपने, ब्रेक क्या बेटा खत्म ही होने वाला है, बस ज्यादा टेंशन मत ले, रिस्क को अवॉइड कर दिया मतलब कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ एक्सपोजर टू लॉस ड्यू टू अ स्पेसिफाइड रिस्क, आपने रिस्क वाला काम करना ही नहीं है, आप क्या कर रहे हो सीधा सीधा भैया अवॉइड कर देते हो टू अंडरटेक एनी रिस्की प्रोजेक्ट, ठीक है, या कोई एक्टिविटी है उसमें आपको लग रहा है रिस्क ज्यादा है आप उसको डिसकंटिन्यू कर देते हो, आप कह रहे हो मेरे को रिस्की काम करना नहीं है, Not taking up any kind of risky project. इसका मतलब क्या होता है, रिस्क को अवॉइड कर देना, ठीक है, प्रोजेक्ट को सीधा अबंडन कर देना, जहां भी रिस्क दिखा पीछे हट जाओ, जहां रिस्क दिखे पीछे हट जाओ, ठीक है आई बात समझ। आपने कोई प्रॉपर्टी ली उस पर मान लो दो भाई हैं उनकी लड़ाई चल रही है प्रॉपर्टी पे, आप कह रहे हो मेरे को भेज दो मैं अपने आप सुलट लूंगा, नहीं आप नहीं करते हो ऐसा, आप क्या कर रहे हो रिस्क को अवॉइड कर रहे हो, ठीक है आई बात समझ। उस एरिया पे से आप फ्लाइट पे नहीं जाते हो जहां आपको पता हाईजैक हो जाएगा, नहीं भाई मेरे को नहीं जाना,
ठीक है, आई बात समझ? अच्छा अब आगे चलते हैं, कंबाइन रिस्क, रिस्क को कंबाइन कर दूं? यस, दो तीन रिस्क अगर आप कंबाइन कर देते हो तो अल्टीमेटली उसमें आपका बेनिफिट होता है। ये कैसे कैसे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिस्क आप कंबाइन करते हो, जैसे शेयर्स प्लस डिबेंचर्स, आप दोनों के बेनिफिट्स को कंबाइन कर दिया। शेयर्स में क्या रिस्क है? शेयर्स में क्या रिस्क है? सर मेरा ओनरशिप चली जाती है, मेरी ओनरशिप चली जाती है। आज मेरे पास 500 शेयर्स हैं, ठीक है, उसमें से 250 कंपनी के पास है, तो सर मेरे पास 50% ऑनरशिप है। मैं अगर 500 और इशू कर देता हूँ तो मेरे पास कितने रह जाएगी? आज मेरे पास 50% ऑनरशिप थी सर, अब यहाँ पे सिर्फ 25% रह जाएगी, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 1000, ओनरशिप मेरी कम हो जाएगी, ये रिस्क है। डिबेंचर्स पे क्या रिस्क है? डिबेंचर्स पे मेरे को फिक्स इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, लोन है, कर्जा है और फिक्स कॉस्ट धंधे के लिए जहर है। अब इसको दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर देता हूँ। प्रेफरेंस शेयर्स पे मुझे पैसा भी मिल जाता है, कमाऊंगा तो दूंगा, और दूसरी बात मेरी ओनरशिप में भी इंटरफेरेंस नहीं होगी, मेरी ओनरशिप कम नहीं होगी, इंटरेस्ट तो देना है पर तब दूंगा जब मैं कमा लूंगा, ठीक है। ऐसे ही शेयरिंग ऑफ रिस्क भी होता है। रिस्क कैसे शेयर कर लेते हैं बेटा? इंश्योरेंस पे, कि भैया अगर मेरी गाड़ी चोरी होगी तो पैसा दे दियो, कह रहा ठीक है मैं दे दूंगा, शेयरिंग ऑफ रिस्क। नेक्स्ट इज हेजिंग। हेजिंग क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, आप कहीं ना कहीं व्हाट यू कॉल इट एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फॉरन एक्सचेंज में पढ़ा होगा इसको, कि अब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है जब फॉरन एक्सचेंज के अंदर, तो डाउन साइड इज पर्टिकुलरली टेकन केयर ऑफ, सो दैट इज नोन एज हेजिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपका फाइनेंशियल रिस्क है उसको आप गेन में कन्वर्ट कर पाओ, लॉस में ना जा पाओ, ज्यादातर गेन में रख पाओ उसको, ठीक है। चलिए आगे, नाउ मेंटेनिंग द रिस्क स्ट्रेटजी। देखो बेटा क्या होता है, कहीं ना कहीं जो भी आपकी रिस्क स्ट्रेटजी है उसको पूरा पूरा ध्यान रखना होता है और उसको मेंटेन करके चलना होता है। ऐसा नहीं है आपने आज रिस्क स्ट्रेटजी बना दी, अब आपको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट ये तो करना ही है, पर जब तक कंपनी चल रही है तब तक आपको रिस्क मैनेज करना ही पड़ेगा, ठीक है, आई बात समझ? अच्छा, पेपर में अगर आपसे एक टर्म दे देता है आपको परेशान करने के लिए, थोड़ा सा पूछ लेता है, कंट्रोल एंड सेल्फ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर CRSA, तो ये एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो अब इस प्रोसीजर में क्या होता है, ये कहीं ना कहीं आपको रिव्यू करवाता है रिस्क को एंड कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन को एट एवरी लेवल, चाहे आपका लेवल, चाहे आपका बिल्कुल ऑपरेशनल लेवल है, फंक्शनल लेवल है, बिजनेस लेवल है, कहते किसी भी टाइप का लेवल है, मैं सारे के सारे लेवल्स पे रिस्क को कंट्रोल करता हूँ और कहीं ना कहीं आपका जो स्टाफ है उसकी नॉलेज को, उसकी एक्सपर्टीज को यूज करता है क्लोजेस्ट टू द फंक्शन, ठीक है, जो सबसे ज्यादा पास में है एक पर्टिकुलर फंक्शन के। जैसे अकाउंट्स जो है, जो अकाउंट्स में लोग काम करते हैं वो अकाउंट्स के सबसे ज्यादा करीब माने जाते हैं, ठीक है। जो लोग कैश पे ध्यान रख रहे हैं वो कैश के सबसे ज्यादा पास में है। सर कैश होता है कंपनी में, कैशलेस इकोनॉमी है हमारी, तो किसने कहा, आज भी होता है कैश का ध्यान रखा जाता है, कंपनी में कैश तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उन लोगों से बात की जाती है, उन लोगों के स्किल्स, उन लोगों की नॉलेज शेयर की जाती है कि यार क्या कोई रिस्क है अपने पास? सर जहाँ कैश रखा हुआ है वहाँ 3 कैमरा लगे हुए, वहाँ एक गार्ड हमेशा बैठा रहता है, ओके, उस कैश की चाबी 2 लोगों के पास है और दोनों एक दूसरे की परमिशन के बिना कैश यूज नहीं कर सकते। अब वो दोनों बंदे भी रोटेशन पे होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ऐसे चेंज होते रहते हैं रोटेशन पे, हर एक एक महीने में 15-15 दिन में रोटेशन चेंज होती रहती है। गाड़ी दोस्ती बैठेगी ही नहीं, दोस्ती बैठेगी नहीं तो फंडा सेम होगा नहीं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, रिस्क ना बहुत सारे टाइप का होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। तो बेटा मैंने क्या किया है, मैंने इंस्पाइट ऑफ दैट कि तुम लोगों को मैं ऐसे बता दूं, तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट ड्रॉ कर दिया है, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, आप चाहे ऐसे पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। रिस्क सिस्टमैटिक क्या होता है? अनकंट्रोलेबल, ठीक है, और अनसिस्टमैटिक क्या होता है? जिस इज कंट्रोलेबल, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। कल मेरा जो स्टाफ है छुट्टी पे नहीं आएगा तो मैं पहले ही कंट्रोल कर लूंगा, कल का काम आज ही करा लूंगा उससे। सर चालू हुआ बहुत, इसीलिए सर एंटरप्रेन्योर ऐसे नहीं बने। इट इज अनकंट्रोलेबल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रेडिक्टेबल, मैक्रो होता है नेचर। सर जैसे कि मार्केट में रिस्क आ गया बेटा, आपने देखा नया नया, जैसे ही आपकी इकोनॉमी में बड़ा चेंज आता है तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बहुत कम हो जाती है। सिस्टमैटिक रिस्क, अनकंट्रोलेबल, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपने रातों रात, आपको पता चला नोट बंद हो गए, आप कुछ नहीं कर सकते हो, अनकंट्रोलेबल, नॉन प्रेडिक्टेबल, मैक्रो इन नेचर, ठीक है, आई बात समझ। और जितने भी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेम स्ट्रीम में काम कर रहे होते हैं उन सब पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे बताता हूँ, गवर्नमेंट ने जो आपकी लग्जरी गाड़ियां हैं उन पे GST का रेट बढ़ा के 28% कर दिया, एग्जाम्पल है। अब जितनी भी सेम स्ट्रीम के अंदर जितनी भी कार इंडस्ट्री है सारी की सारी हिल जाएगी,
तब ऐसा तो है नहीं आप इसको शुरुआत में एड्रेस भी नहीं कर सकते, एडवांस में भी आपको सवाल नहीं पता इसके बारे में, कैसे पता चलेगा मुझे? इट कैन नॉट बी एड्रेस्ड इन एडवांस, ठीक है? और फैक्टर्स क्या है? दे आर अनकंट्रोलेबल। अच्छा, अब ये अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसा होता है? देखो, बहुत बार है कि आपके पास पैसा नहीं है काम करने के लिए, क्रेडिट रिस्क, ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, ये सब चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो यार। आपको पता है पैसा नहीं है मेरे पास, आपको पहले पता चल रहा था ना कि मेरे कैश रिजर्व्स नीचे आ रहे हैं, पैसा नीचे आ रहा है, आप देख सकते थे, आप पैसा निकाल सकते थे, आपने निकाला ही नहीं। आपको पता चल रहा है कि मेरी सेविंग खत्म हो रही है, आपको पता चल रहा है कि मेरी सेविंग खत्म हो रही है, तो अब क्या होता है? काम खराब, हम फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो करो, ऐश करो। इट इज कंट्रोलेबल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रेडिक्टेबल, माइक्रो इन नेचर, अफेक्ट्स द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा याद रहे, यहाँ पे इंडिविजुअल पे इफेक्ट होता है और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो उस स्ट्रीम के अंडर काम कर रहे हैं। आई बात समझ? और याद रहे, इट कैन ऑल्सो बी एड्रेस्ड इन एडवांस, इसको आप एडवांस में एड्रेस कर सकते हो, इसको एडवांस में एड्रेस नहीं कर सकते। उसके बारे में एडवांस में सोच सकते हो कि यार मेरे पास कैश रिजर्व खत्म हो रहे हैं, फटाफट से बैंक से ले लेता हूँ, बिल डिस्काउंट करवा लेता हूँ, कैश क्रेडिट ले लेता हूँ, LC ले लेता हूँ, PCFC ले लेता हूँ, शॉर्ट टर्म लोन ले लेता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है? आई बात समझ? यहाँ पे आप एड्रेस कर सकते हो, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स लगा कर आप बच सकते हो। तो यही 4-5 पॉइंट्स हैं जो मैंने इधर से उठाकर इधर भी डाल दिए, ठीक है? आई बात समझ? सिर्फ याद रखिएगा, सिस्टमैटिक के छोटा नाम है अनकंट्रोलेबल। सर बड़ा नाम है, छोटा कहाँ से? अनकंट्रोलेबल है बेटा, याद रखना है इसको। और ये क्या है? दिस इज कंट्रोलेबल। मेरे को ही हिला देता, बताओ, ठीक है? दिस इज कंट्रोलेबल। आई बात समझ? चले ना, मूविंग अहेड, अगले पॉइंट पर लेके चलता हूँ। जल्दी से अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब ये होता है, कुछ होते हैं फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, कुछ होते हैं नॉन फाइनेंशियल रिस्क। अब ये जल्दी से एक एक रिस्क के बारे में बात करते हैं, कितने सारे टॉपिक्स हमारे बचे हैं, जल्दी से देखते हैं। छोटे छोटे सारे यार, इतनी बड़ी स्पीड से पढ़ रहे हो यार तुम लोग, क्या बात कर रहे हो यार सर? है हाँ, बहुत तेज है, एकदम तूफान तूफान दिला दिया तुमने। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? जहां पे कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर बिजनेस इंडस्ट्री पे या बिजनेस पर कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो उसको क्या कहते हैं हम? फाइनेंशियल रिस्क। ये मार्केट रिस्क हो सकता है, क्रेडिट रिस्क हो सकता है, लिक्विडिटी, ऑपरेशनल, लीगल, कंट्री रिस्क, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे टाइप के फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पर होते, ठीक है, ओके। उसके बाद नॉन फाइनेंशियल रिस्क भी है आपका। अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा हो गया। देखो, सबसे पहले जो आता है दैट इज फाइनेंशियल रिस्क, और वो आता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क से क्या मतलब है सर? बेटा मार्केट में ना बहुत बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अप्स एंड डाउन्स कैसे? देखो, बहुत बार क्या होता है, मार्केट प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, आपकी डिमांड ज्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है। अब बता, बच्चों का रिजल्ट आता है, एकदम जंप के एडमिशन हो जाते हैं, इतने एडमिशन हो जाते हैं, संभालने मुश्किल, ठीक है? और उसके बाद में क्या होता है, थोड़ा टाइम बाद वही नवंबर दिसंबर के आसपास मामला सारा कंट्रोल में आ जाता है, कोई हॉश पॉश नहीं, आराम से रिलैक्स होते हैं, ठीक है? तो दिस टाइप ऑफ रिस्क इज एसोसिएटेड विद द मार्केट अप्स एंड डाउन्स। तो रिस्क ऑफ लॉस जो आपको होता है, क्यों? फ्रॉम द चेंज और वॉलेटिलिटी इन मार्केट प्राइसेस। मार्केट प्राइस कभी ऊपर है, कभी नीचे है, डेफिनेटली बेटा अगर डिमांड नहीं है तो आप प्राइस का क्या करोगे? सर मैं डाउन करूंगा ताकि डिमांड आ जाए। ओके। सो अब क्या होता है, इन्हीं चीजों से हमारे को कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है, कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, ठीक है? नया सिलेबस जैसे जैसे आता है, टीचर के मजे आ जाते हैं, रेट बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, ऐसा होता है पुराने सिलेबस पर रेट नहीं मिलता, पुराने सिलेबस पर हम रेट कम रखते हैं। अच्छा, ऐसा क्या? मार्केट में कम्पीट भी तो करना है, नए सिलेबस में कोई होता ही नहीं है, ठीक है? सर धंधे का राज बता रहे हो आप। हाँ, तो मार्केट रिस्क भी दो तरीके का होता है। तो मार्केट रिस्क इज पर्टिकुलरली इट मे बी योर एब्सोल्यूट रिस्क। एब्सोल्यूट का रिस्क का मतलब क्या है? व्हिच कैन बी मेजर्ड इन करेंसी टर्म, ठीक है? और रिलेटिव रिस्क क्या होता है? व्हिच हैज अ बेंचमार्क इंडेक्स। आपने एक बेंचमार्क यानी कि आपने एक लेवल सेट करा हुआ है, उससे आप चेक कर रहे हो। मैंने सोचा यार मैं इस महीने 10,000 रुपए कमाऊंगा, तो दैट इज अ रिलेटिव रिस्क, मैंने कितना कम करा, ठीक है? या तो फिर मैंने एब्सोल्यूट रिस्क पूरा का पूरा पैसे में कन्वर्ट करा हुआ है, दैट इज एब्सोल्यूट रिस्क, ठीक है? आई बात समझ? बहुत बार बेटा करेंसी रेट्स चेंज हो गए, इक्विटी प्राइसेस चेंज हो गए। जैसे करेंसी रेट चेंज हो गया, तो मैंने आपको बताया आपने जब एक्सपोर्ट किया था तो 72 था, आज आपको पेमेंट मिलनी है तो कितना है? सिर्फ 60 रुपए है। तो लॉस है अल्टीमेटली आपके लिए? बिल्कुल सर, लॉस ही लॉस है, मतलब फंस गया। चल आगे चलते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क के क्या मतलब है? जो फाइनेंशियल एसेट्स आपके रिस्क के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कि डिबेंचर्स, बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट, ये सब का रिस्क होता ही होता है।
फिक्स इनकम सिक्योरिटीज होती है, जैसे कि बताता हूँ आपके घरों में ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करूँ तो वो पैसा लगा देते हैं एफडी में, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट, अब एफडी में क्या है पैसा आप गवर्नमेंट को दे रहे हो अल्टीमेटली कि हमारा पैसा यूज कर लो और बदले में गवर्नमेंट आपको एक फिक्स्ड इनकम देती है। अगर इंटरेस्ट रेट एडवर्सली इफेक्ट होता है, इंटरेस्ट रेट डाउन आता है तो आपकी इनकम भी क्या आएगी, डाउन आएगी, इनकम भी क्या आएगी, डाउन। ठीक है, आई बात समझ? अब बेटा इनकम भी डाउन आएगी, अगर आपका इंटरेस्ट रेट इफेक्ट होता है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो अल्टीमेटली कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब ये समझो आपने पैसा लिया हुआ है, आपने पैसा लिया हुआ है तो फ्लक्चुएशंस के बारे में दोनों चीजों पर बात करें। आपने पैसा लिया हुआ है बैंक से, बैंक से पैसा लेने के बाद अब बैंक क्या करता है आपके इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, यानी कि इंक्रीज कर देता है। अगर ऐसा होता है तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा, गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो स्वाब मैं कम्पीट कैसे करूंगा मार्केट के अंदर, मुश्किल हो जाएगा ना बेटा कम्पीट करना। बोलो, एक बंदा 100 रुपए का बेच रहा है वो सेम मेरे से 150 रुपए का क्यों लेगा? ठीक है, नेक्स्ट इज करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क क्या होता है कि देखो वॉलेटिलिटी फ्रीक्वेंसी इन करेंसी रेट्स, आज डॉलर 70 है फिर 80 है फिर 90 है, आज आपने गुड्स इम्पोर्ट करे ठीक है रेट है 70 रुपीज, कल को जब आप उन्हीं चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हो रेट हो गया 90 रुपीज, आपका बेनिफिट हो गया, 70 रुपए खरीदा था आज बेचने जा रहे हो तो 90 का। ठीक है, आई बात समझ? तो जितनों के भी इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं तो वहां पर ये बड़े गंदे तरीके से इफेक्ट करता है, आई बात समझ? अब आता है अगला इक्विटी रिस्क। अब ये इक्विटी रिस्क क्या होती है, डेप्रिसिएशन इन वंस इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन मार्केट इंडेक्स। अच्छा एक बीटा होता है, पता है बीटा गामा, गामा तो सर गांव में होता है ना, नहीं बीटा गामा इज अ काइंड ऑफ, ये आपकी मार्केट रिस्क होती है। बीटा गामा के बारे में मौका मिले तो पढ़ लेना, वो मार्केट रिस्क जो एसोसिएटेड होते हैं आपके डे टू डे फ्लक्चुएशन पे वो बीटा होता है, इसकी ही तरह एक गामा भी होता है। ठीक है, तो वो लोग जो फाइनेंस में होते हैं उनकी वाली टर्म्स है। उसके बाद एक आता है आपका कमोडिटी रिस्क। कमोडिटी रिस्क क्या होता है, विच इज एसोसिएटेड विद एब्सोल्यूट चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। आपकी जो कमोडिटी है उसकी प्राइस का, उसका प्राइस चेंज होगा। कमोडिटीज जैसे कि आपके फिजिकल एसेट्स हैं, ठीक है, आपके डिमांड सप्लाई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है ये चीजें। और ये कमोडिटी रिस्क क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। कमोडिटीज हैं आपके लिए, देखो मैं बताता हूँ, आपको एक तेल है जो आप खरीदते हो सर, उसका प्राइस नीचे आ गया, आपका रॉ मटेरियल है तो आपका फायदा है, ऊपर चढ़ गया तो लॉस है। चलें आगे, देखो मूविंग अहेड। उसके बाद होता है एक क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या क्या मतलब होता है, आपने किसी बंदे को गुड्स दिए, आपने किसी बंदे को, किसी कंपनी ने इस बंदे को गुड्स दी, गुड्स दी, अब इस बंदे को क्या करना चाहिए था, ये पे करना चाहिए था आपको, पर ये आपका पैसा लेके भाग जाता है। अरे बाप रे बाप, तो सर मतलब पैसा तो मेरा डूब गया, ये तो डिफॉल्ट हो गया। हाँ, बैंक ने इसको पैसा दिया, पैसा लेके क्या कर रहा है, भाग रहा है पैसा लेकर। ठीक है, व्हेन अ काउंटर पार्टी इज अनेबल और अनविलिंग टू फुलफिल देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन द क्रेडिट रिस्क अराइजेस। दिस टाइप ऑफ रिस्क इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड रिकवरी डेट। आई बात समझ? बैंक ने पैसा दिया किसी को और वो बंदा पैसा वापस करने में फेल कर जाता है, उसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क। आपने सुना ही है एक और टर्म जिसको हम कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। किसी भी एसेट पे अगर पैसा ड्यू हो जाता है 90 दिन से ज्यादा के लिए तो उसको क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आई बात समझ? बैंक क्या करता है, अपना रिस्क एडजस्टेड रेट होता है उसको ऊपर नीचे बढ़ा देता है ताकि भैया जो मेरा क्रेडिट एक्सपोजर है, जो मेरा क्रेडिट रिस्क है कम हो पाए। देखो बैंक ने आपको पैसा देना सर 6% पे, पर बैंक ने क्या देखा, मैं जितनों को पैसा देता हूँ, 100 लोगों को अगर पैसा देता हूँ तो यार इसमें से 80 रिटर्न करते हैं, 20 रिटर्न नहीं करते, तो कहता है 20 रिटर्न करते नहीं है, इनका प्रोविजन कर देता हूँ, पैसा 8% पे देना शुरू कर देता हूँ। बैंक को तो प्रॉफिट उतना चाहिए ना, बैंक को तो प्रॉफिट चाहिए। बैंक पहले क्या कह रहा था, बैंक कह रहा था मैं 6 रुपए लूंगा, 6 रुपए इसने लोगों में बांट दिए, 6 रुपए में से 4.8 ही वापस आते हैं। बैंक कह रहा है ये तो बड़ा लॉस हो गया यार, बाकी यार बाकी के 1.2 तो मेरे डूब गए। तो बैंक कहेगा अब से 6 रुपए नहीं लूंगा 100 रुपए पे, अब से 100 रुपए पे 8 रुपए ही लूंगा, 8 रुपए में से 8.8 6.4 तो आ रहा है ना, और मेरे पास पहले 6.4 आ रहा है, कितना डूब रहा है, कितना डूब रहा है। अरे यार क्या कर रहे हो बेटा, 8% पे 8 रुपए लेता है, 6.4 आ रहा है, 8.64 1.6 आई डूब रहा है, कह रहा डूबने तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को 6.4 तो आ रहा है ना, पहले से तो ज्यादा प्रॉफिट है ना, मेरी कम से कम खर्चे तो निकल रहे हैं। तो क्रेडिट रिस्क को बैंक किस तरीके से मैनेज करता है,
आई बात समझ? आप बैंक का एग्जांपल देकर लिख सकते हो जहाँ पे काउंटर पार्टी फेल कर जाती है, पैसा नहीं दे पाती है। सर एग्जांपल लिख दूँ, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, इन सब का एग्जांपल लिख दूँ? नहीं है, कुछ नहीं करना है ऐसा। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट इज अबाउट लिक्विडिटी रिस्क। अब लिक्विडिटी रिस्क अराइज करता है ड्यू टू मिसमैचेस इन कैश फ्लो, मिसमैचेस इन कैश फ्लो, या तो फिर आपके पास प्रॉपर फंड्स अवेलेबल नहीं है सर मार्केट में, अब प्रॉब्लम होगी आपके पास। ठीक है, लिक्विडिटी याद रहे और सॉल्वेंसी दोनों अलग अलग है। लिक्विडिटी है आपके हाथ में पैसा है, ये लिक्विडिटी है। सॉल्वेंसी है आपके पास पैसा है, पैसा किसी भी फॉर्म में है, वो अलग चीज है। देन यू आर सॉल्वेंट। अगर हाथ में पैसे हैं तो वो लिक्विडिटी है। आई बात समझ? जब आपके हाथ में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है तो आप लिक्विडिटी रेशियो आपकी शानदार है। याद रहे सॉल्वेंसी का मतलब पैसा है, कैसे भी है, किसी भी फॉर्म में है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपके करंट एसेट्स कैश और नियर आई मीन कैश इक्विवेलेंट्स की फॉर्म में है तो शानदार, आपकी लिक्विडिटी है। अगर आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में नहीं है आपके करंट एसेट्स, तो आपके पास लिक्विडिटी नहीं है। मे बी हो सकता है आप सॉल्वेंट हो। तो एक टर्म आ सकती है दैट, अब देखो सुनना ध्यान से, अ कंपनी मे बी सॉल्वेंट, अ कंपनी मे बी सॉल्वेंट, बट आप ध्यान देने की जरूरत है बेटा, अ कंपनी मे बी सॉल्वेंट बट इट मे हैव लिक्विडिटी रिस्क। ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही। बिकॉज आप सॉल्वेंट हो सकते हो, एसेट आपके कैसे भी हो, फिक्स एसेट से क्यों ना हो। लॉ कहता है कि भैया करंट एसेट की फॉर्म में जो पैसा होगा ना, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से, उससे क्या पता चलता है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रिस्क दो टाइप का होता है, ट्रेडिंग और फंडिंग। एक तो आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, इट मीन एब्सेंस ऑफ मार्केट लिक्विडिटी। आप किसी भी टाइप की डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हो सामने वाले बंदे के साथ, और यहाँ पे इट मीन्स इनएबिलिटी टू मीट ऑब्लिगेशंस बाय आइदर बॉरोइंग और सेल ऑफ सिक्योरिटीज। फंडिंग कैसे आती है? आपने किसी को शेयर इशू कर दिया, आपने किसी को डिबेंचर इशू कर दिया, बदले में आपको पैसा मिला, वो क्या है? फंडिंग है। ठीक है, फंडिंग। चल आगे चलते, लिक्विडिटी रिस्क। इसके बाद होता है ऑपरेशनल सिस्टम और मैनेजमेंट रिस्क। अब बहुत बार क्या होता है, इनएडिक्वेट सिस्टम या सिस्टम कैपेसिटीज या सिस्टम फेलियर या ऑप्शनेंस। ऑप्शनेंस क्या होता है, आपकी चीज टेक्नोलॉजी हो गई बहुत आउटडेटेड, मेरे पास नोकिया का फोन है, कौन सा नोकिया 1200, क्या आज चलेगा? नहीं सर, मैनेजमेंट फेलियर है, ऑप्शनेंस फेलियर है। मैनेजमेंट फेलियर ऑन अकाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं फॉल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, या फिर ह्यूमन एरर आ रहे हैं। ये सब क्या है, मेरा ऑपरेशनल रिस्क। प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं ना, जो जो सिस्टम्स लगते हैं वो सब ऑपरेशनल रिस्क में आते हैं, ठीक है। लीगल रिस्क क्या होता है, जहां पे काउंटर पार्टी कहीं ना कहीं अपनी लीगल या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाती है। सर ये लीगल ऑब्लिगेशन का क्या सिस्टम है, समझ नहीं आया, थोड़ा सा बताओ मेरे को थोड़ा सा। देखो बेटा, लीगल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है, लीगल ऑब्लिगेशन से हम कहते हैं, अब देखो जैसे आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, आप एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हो, तो क्या है, लीगल रिस्क, प्रॉब्लम हो जाएगी। इनसाइडर ट्रेडिंग कर दी आपने, लीगल रिस्क। अब अगर ऐसा कर दिया तो सर फाइनेंशियल लॉस कैसे, अगर डिफॉल्ट कर दोगे तो पेनल्टी भी तो लगेगी ना, पेनल्टी, सिंपल एज दैट। पॉलिटिकल कंट्री रिस्क। अब पॉलिटिकल कंट्री क्या होती है, डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शंस। अब आपकी कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं, स्वात मिट्टी धंधा कर लोगे, कैसे कर लोगे धंधा, वो वैसे इलेक्शन हो जाएगा तो मार्केट डाउन हो जाएगी, दुनिया सारा पैसा कहाँ लगा देगी, पता है तुम्हारे को, ठीक है। दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो गया, लड़ाई हो गया, बैन लगा दिया। आप क्या करते थे, आप चाइना से गुड्स इंपोर्ट करते थे, सर चाइना पे बैन लगा दिया, मित्रों आज रात के बाद चाइना से कोई भी माल नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल या कंट्री रिस्क है, ठीक है। कंट्री रिस्क कहाँ से अराइज होता है, जिस कंट्री से आप ट्रेड कर रहे हो उस कंट्री से। आपकी फर्म यहाँ पे है सर, आपकी फर्म जिस भी कंट्री में जाती है उस कंट्री के साथ हमारा या तो वॉर हो गया या हमने बैन लगा दिया उस पे, पता चल गया पाकिस्तान है, पाकिस्तान से आप कुछ मंगवाते थे, हमें पता चल गया भाई आतंकवादी भेज रहा है, बैन लगा दिया हमने उस पे, काम ही नहीं करना, कर लो क्या करोगे जी, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नॉन फाइनेंशियल रिस्क। नॉन फाइनेंशियल क्या होता है, जिसका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, बट सीरियस है और कल को बाद में जाकर उसका कहीं ना कहीं आप पर फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। आज इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इमीडिएटली इम्पैक्ट पड़ता है फाइनेंशियल रिस्क का, ठीक है। अब ये कौन कौन से टाइप के होते हैं सर, आओ देखो। सबसे पहला होता है बिजनेस इंडस्ट्री एंड सर्विसेज रिस्क। मतलब देखो,
कहीं ना कहीं बेटा जो डेंजर ऑफ लॉस है, जो आपके प्रॉफिट्स हैं, कहीं ना कहीं जो रिस्क है जो फ्यूचर में आने वाला है, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस फेल हो सकता है। ठीक है, अब बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है, मेरा डेफिनेशन बताओ पहले। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अब ये अनसर्टेनिटीज क्या है, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया। पहले लोग अपनी चाय पीते थे, अब पीने लग गए कॉफी। पहले चाहिए थे इनको बेसन के पकौड़े, अब चाहिए नवरत्न तेल के पकौड़े, गर्मी बहुत है। ठीक है, चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर चेंज होती जा रही है। पहले बच्चे बच्चे को पता होता था, बच्चा बच्चा क्या करता था, कोई भी ले आओ डाल लेंगे। अब बच्चे को पहले दिखना चाहिए कि सर ब्रांड चाहिए मुझे, ब्रांड ब्रांड। आधा डुप्लीकेट भेज दे तुम्हारे को ऑनलाइन वो वाले, पर चले चाहिए अपने को ब्रांड। प्रेफरेंस चेंज हो गई, कॉम्पिटिशन बढ़ गया, गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्यों घुसेड़े, कस्टमर का टेस्ट ही चेंज हो गया। अभी कहा बताओ, आज के टाइम पे तुम्हारे जब हमारा जमाना था, मम्मी क्या करती थी पता है, दाल के अंदर घिया डाल के दे देती थी। अब आजकल बच्चे हो गए बहुत स्मार्ट, बच्चों को पहले ही पता मम्मी ने दाल में घिया डाल दिया, अब नहीं खाऊंगा। पहले हमारे जमाने में क्या पसंद हुआ करती थी, राजमा चावल, ओए होए होए होए। अब क्या पसंद आता है, पास्ता पसंद आता है, सब में को पिज्जा पसंद आता है ना। सो जस्ट लाइक दैट टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो रहे हैं। तो अब राजमा चावल वाला बेचारा जो बिट्टू राजमा चावल वाला फेमस हुआ करता था, अब इतना नहीं चलता। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैव चेंज्ड, आई बात समझ। हमारे टाइम पे कोई भी गाड़ी ले लेते थे, पर अब गाड़ी शानदार होनी चाहिए, गाड़ी में फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक रिस्क। अब अगर स्ट्रैटेजिक रिस्क क्या होता है, आपका अनफोर्स अनसक्सेसफुल बिजनेस प्लान है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना सर, वो पुअर बिजनेस डिसीजन लेकर आ रही है। आप सही से अपनी स्ट्रैटेजी ही नहीं बना पा रहे हो। कैसे, देखो जैसे आप टाइम टेबल बनाते हो, सर मैं टाइम टेबल बनाता हूँ, मतलब आपने टाइम टेबल बनाया, आप फॉलो थोड़ी करते हो, आप फॉलो करते हो। अच्छा, किसको झूठ बोल रहे हो, साथ भी कभी बहू थी, टीचर भी कभी स्टूडेंट था। जैसे कि आपने स्ट्रैटेजी बनाई, पर उससे मेकिंग पुअर बिजनेस डिसीजंस, मेकिंग सब स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, और इनएडिक्वेट रिसोर्स एलोकेशन, कौन सा रिसोर्स कहाँ पे लगना है, प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहा है रिसोर्स, प्रॉब्लम तो आएगी ना यार। कंप्लायंस रिस्क, अब ये कंप्लायंस रिस्क क्या होता है, कंप्लायंस रिस्क का मतलब होता है जैसे आपने लॉ तोड़ दिया, रेगुलेशंस को पूरे तरीके से फुलफिल नहीं करा, तो वो क्या है, कंप्लायंस रिस्क। आज इमीडिएट इफेक्ट नहीं है, उसकी डेडलाइन आएगी, उसके बाद पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी पे पेनल्टी, पेनल्टी पे पेनल्टी बढ़ती जाएगी, कंटेनिंग डिफॉल्ट 1,000 रुपए 2,000 रुपए पर डे पे आ जाएगा। ये कहानी चलते 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 बहुत ऊपर पहुंच जाएगी। और ऐसा करते करते अगर मुझे पता चलता है कि यार कोई कंपनी है उसने बैंक से पैसा लिया था और पैसा वापस नहीं कर पा रही, तो अब क्या होगा, इट मे रिजल्ट इन डिटोरिएशन टू पब्लिक रेपुटेशन, पेनल्टी एंड पेनल प्रोविजंस। मतलब अगर आपने क्या करा, लॉ को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं करा, तो अब एक आता है फ्रॉड रिस्क। फ्रॉड क्या है, थ्रू अब्यूज ऑफ सिस्टम्स। फ्रॉड क्या होता है, कहीं ना कहीं आपने किसी बंदे को पावर दी और उसने अपनी पावर का गलत फायदा उठा लिया। आपकी कंपनी में एक डायरेक्टर है और उसने बोला कि यार, उसने बोला मेरा एक दोस्त, मेरा एक कजन है, वो अभी अभी यार पास हुआ है, उसको रख लो। आप डायरेक्टर हो तो आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए ऐसा कर लिया। अब क्या होता है, अब्यूज ऑफ सिस्टम क्या होता है, जैसे बेटा मेरा लैपटॉप है, ठीक है, इस लैपटॉप के अंदर सारी क्लासेस है, सारी क्लासेस, जो क्लासेस आपके पास पहुंचती हैं वो मेरे लैपटॉप में तैयार, इस लैपटॉप में तैयार होते हैं। ठीक है, ये लैपटॉप में सारे सॉफ्टवेयर जले हुए हैं, सब कुछ है। अब अगर कोई बंदा मेरा लैपटॉप यूज करते हुए मेरी क्लासेस निकाल लेता है, और ऐसा करने के बाद, ऐसा करने का गड़बड़ तो है ही ना सर, ऐसा तो रिस्क है, बहुत रिस्क है बेटा, बहुत रिस्क है। अब ऐसा कोई मेरे यहाँ का एम्प्लॉय भी कर सकता है और आउटसाइडर भी कर सकता है, ठीक है। अब उसने वो क्लासेस निकाल कर अगर डाल दी किसी पोर्टल पे बेचने के लिए, जिस ऑनलाइन पोर्टल को मैं नहीं जानता, तो वहां पे तो उसको पैसा आ रहा है मजे से, ज्यादा से ज्यादा का होगा, डाउट होगा, ईमेल पे सॉल्व कर देगा, उसको क्या पता सही में सर है कि नहीं है, ठीक है। सो ऐसा रिस्क, अब इसके लिए क्या होता है सर, तो आपका लैपटॉप चोरी हो गया तो बेटा इसके ऊपर पहली बात तो इसको खोलना आसान नहीं है, इसके अंदर मोटा मोटा नाना करते भी पहले तुम्हारा फेस लॉक आएगा, उसके बाद तुम्हें पासवर्ड डालना पड़ेगा, पासवर्ड भी ऐसा 1-2 डिजिट का नहीं है, लंबा चौड़ा मेरा पासवर्ड है। उसके बाद अगर आप क्लासेस वाले फोल्डर पे जाते हो, वहां एक सिक्योरिटी पिन मांगता है आपसे, क्लासेस को कॉपी करने लगोगे तो फिर सिक्योरिटी पिन मांगेगा आपसे, पासवर्ड तो एक ही होगा ना आपका, सारे अलग अलग आपको याद रहते हैं, बस यही वाले याद रहते हैं। चल आगे चलते हैं, ठीक है। और ऐसा फ्रॉड रिस्क पता कौन होगा, जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड एम्प्लॉय होता है उसके साथ ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं,
ठीक है। अब सर ये पता चल जाता आपको? नहीं बेटा, बाय चांस की बात होती है, कोई डेटा निकाल रहा है कंप्यूटर से, आप ऊपर से आ गए, आपने देख लिया, कैमरा लगे हुए वैसे तो मेरे यहाँ पे, रेपुटेशनल रिस्क। अब ये रेपुटेशनल रिस्क क्या होता है? इट रिस्क अराइजेस फ्रॉम नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन। अब जब आप क्या देखते हो, आप कहीं भी जाने से पहले, आजकल ट्रेंड है बेटा कि हम रेटिंग चेक करते हैं, हम देखते हैं कि सामने वाला बंदा क्या सही से परफॉर्म भी कर रहा है, क्या चीजें ठीक चल रही हैं, ठीक है। तो अब अगर लोगों का ओपिनियन मेरे बारे में नेगेटिव हो गया है तो मेरी रेपुटेशन कहाँ जाएगी? खड्डे में, मैं तो डूब जाऊंगा सीधा सीधा। आ रही है बात समझ? बोलो बोलो बेटा, आई बात समझ? अब मैं कहाँ जाऊंगा? नीचे, धड़ाम, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन रिस्क। अब ये ट्रांजेक्शन रिस्क क्या होता है? फेलियर और इनएडिक्वेसी ऑफ इंटरनल सिस्टम इंफॉर्मेशन चैनल्स। जो आपके एम्प्लॉय इंटीग्रिटी है, ऑपरेटिंग प्रोसेसेस है, सर ट्रांजेक्शन रिस्क, आप किसी से कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसके फेल होने का रिस्क। अब ऐसा क्यों होता है सर? आपकी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली कम्युनिकेटेड नहीं है, आपका एम्प्लॉय है, उसने बीच में दगा दे दिया, उसको पता चल गया आपने इधर से माल खरीदना है, उसने बोल दिया जाके, अरे सुन सर ना माल खरीदने वाले हैं, तू रेट बढ़ा ले, बता रहा हूँ खरीदना ही खरीदना, उनको पसंद है, रेट बढ़ा ले तू और मेरे को 10% दे दी। क्या हो रहा है? एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं आपकी साइड पे फेवरेबल नहीं है। अब अगला होता है डिजास्टर रिस्क। डिजास्टर रिस्क क्या होता है? नेचुरल कैलामिटीज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सर बस करो ना, बस करो ना सर, बस करो। अच्छा अच्छा, देखो ऐसे मुंह पर आके ड्रामे ऐसे करते हो तुम लोग, देखो ये लास्ट है, ये लास्ट है, ठीक है, बाद में ऐसे वो भी अंगूठा दिखाएगा, तो जल्दी सुनो, जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? इट प्लेज अ वाइटल रोल इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। अच्छा सीधा सीधा एडवांटेजेस पे आता हूँ, पेपर में अगर एडवांटेजेस पूछता है, रिस्क मैनेजमेंट से क्या होता है? सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग और प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट। बाद में जाके आप लड़ोगे, आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट आपका कहीं ना कहीं बच रहा, ठीक है। अब इट कैन हेल्प एंड प्लान प्रिपेयर फॉर द अपॉर्चुनिटीज। अब जो आपका कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट है आपको उसी के अंदर क्या करेगा, जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, उसको चेंज करके मैनेज करके अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव्स स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस प्लानिंग, ठीक है, और रिड्यूस करता है बाय लिमिटिंग लीगल एक्शन और प्रिवेंट ब्रीचेस। आपने पहले ही अगर बेटा आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा रिस्क है तो कहीं ना कहीं मुझ पर लगने वाली पेनल्टियां बच जाएंगी, कहीं ना कहीं अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लगने वाले मेरे पे ऑब्लिगेशन, लगने वाली मेरे पे पेनल्टीज, लगने वाले मेरे पे जुर्माने सब बच जाएंगे, ठीक है। इट एस्टैब्लिशेस इंप्रूव्ड रिलायबिलिटी अमंग स्टेक होल्डर्स लीडिंग टू एन एनहांस रेपुटेशन। आपने रिस्क को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया, मार्केट के अंदर नया ट्रेंड आया, आप ऑलरेडी खड़े हो सर, तो स्टेक होल्डर को क्या लगेगा, यार ये आदमी तो बहुत समझदार है, मार्केट में नया सिलेबस आया सर, पहले ही एकदम खड़े तैयार हो गए, क्या हो आओ, क्या लगेगा, अरे यार आदमी सही है, पोर्टल के लिए तुम्हारे लिए नहीं, तुम लोग तो अपनी डेट के बाद देखते हो कि टीचर सही है या नहीं, टीचर ने 100% मॉड्यूल करा दिया, इससे ऊपर नहीं करा सकता है कुछ। अब इससे मेरे की स्टेक होल्डर्स को भी क्या मिलती है, एक रीअश्योरेंस कि हाँ यार सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब चका चक है। Strongly favors a focused internal audit program. ये points याद कर लेना, I know मैंने बहुत अच्छे से नहीं बताए हैं, but कोई बात नहीं, कभी कभी याद भी कर लेना चाहिए यार। That's it. We are done for today. जब बस बेटा जितना पढ़ना था अब पढ़ लिया, अब एक और यूनिट ले आऊंगा इसकी, एक और इसका पार्ट ले आऊंगा और तुम्हारे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। ओके टाइम हो गया, आज तो बहुत लेट हो गया यार लंच करने में। चल अब मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में। टिल द टाइम बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम्स हो, कोई भी कंसर्न्स हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।